Assalamu alaikum. Welcome to the Python programming class number 9. आज तक हमने Python programming के major aspects तमाम cover कर चुके हैं, जिसमें हमने basic of Python से start किया था. हमने ये देखा था कि आपके पास किस तरीके से Python programming का syntax जो है वो काम करता है, आप किस तरीके से इस पे conditions लगा सकते हैं, loop लगा सकते हैं, आप किस तरीके से इसके ऊपर प्रॉपर एप्लीकेशंस बना सकते हैं. हमने ये भी देखा कि लास्ट टाइम आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से काम कर सकते हैं. आज की क्लास में हम बेसिकली फाइल मैनिपुलेशन, हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि आप फाइल्स को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आप फाइल की मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ लाइब्रेरीज को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उनका क्या मकसद होता है, आज ये हम देखने के लिए जा रहे हैं. वी विल बी डन विद द पाइथन प्रोग्रामिंग. उसके बाद आज के दिन हम नंपाय को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह. तो दैट्स व्हाई लेट्स सी, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम स्टफ को कवर करें और आज की क्लास से मैक्सिमम फायदा उठा सके. आज हमारे साथ उमर होंगे जो कि क्लास को कंडक्ट कर रहे होंगे थ्रू आउट. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लास, एक चीज मैंने अपनी टीम के साथ, जिसमें उमर भी है, नोरोस है, उमेर है, मैंने उनके साथ डिस्कस किया. तो वी हैव कम टू वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कि 5 जनवरी का हमने कहा था कि यू पीपल विल बी हैविंग द एग्जाम. देयर इज अ चांस कि अगर हम सिर्फ पाइथन पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमसे जो असेसमेंट लिया जाता है, द वॉइस इज क्लियर नोरोस उमेर, हमसे जो एग्जाम लिया जाता है हम बेसिकली उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक चल रहे होते हैं. तो द थिंग इज के अभी टीम के साथ जो हमारी डिस्कशन हुई है, मेरी डिस्कशन हुई है, उसमें हमने ये डिसीजन किया है कि अल्टीमेटली हम जो है सिर्फ पाइथन कोड प्रोग्रामिंग का एग्जाम नहीं लेंगे, हम उसके साथ नंपाय और पांडास का भी टेस्ट लेंगे. अच्छा, नंपाय और पांडास सिर्फ और सिर्फ, लेट मी क्लियर दिस थिंग टू यू, कि उन चीजों में से आएगा जो कि हम कवर करेंगे, जो कोड हम कवर करेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है. आज क्लास में जब नंपाय की लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम एट द एंड ऑफ द क्लास आप लोगों से कोड भी शेयर कर देंगे. नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ उमेर होंगे, वो पांडास करवाएंगे. तो द थिंग इज के वंस यू आर, वी आर डन विद द पांडास, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड टिल 4th ऑफ जनवरी, और 12th ऑफ जनवरी विच इज गोइंग टू बी ऑन संडे आप लोगों का एग्जाम्स होगा. तो गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द एग्जाम. लिस्टिंग वगैरह इंशाल्लाह मंडे ट्यूजडे तक हम फाइनल कर देंगे और आप लोगों को बता देंगे. तो लेट्स सी, सो वी नीड टू स्टार्ट विथ द पाइथन प्रोग्रामिंग, हम इसको स्टार्ट लेके चलते हैं. एक चीज जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरह आज हम फाइल मैनिपुलेशन के हवाले से मैंने कहा, हम रीड राइट इंपोर्ट, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर करेंगे. नंपाय का क्या मकसद होता है, नंपाय क्यों यूज होता है, वो बेसिकली आपके पास मल्टी डायमेंशन एरे जो होता है, या अगर फॉर एग्जाम्पल आप दो एरे के दरमियान में सबमिशन करते हैं, तो नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप लेके चले तो उसमें आप लोगों को लूप लगाना पड़ता है और उसके ब्याह में लॉजिक जनरेट करनी पड़ती है जिसके ब्याह में आप काम करते हैं. बट इन नंपाय दीज थिंग्स कैन बी डन इन अ प्रॉपर वे. न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग हो गई, या आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ब्याह में आप मैट्रिसेस की जब इम्प्लीमेंटेशन करते हो, कैलकुलेशन करते हो, सो फॉर दैट पर्पज यू यूजली यूज द नंपाय लाइब्रेरी. इट्स वेरी इजी, सिंपल है, पाइथन आती है तो आप कर सकते हैं नंपाय को भी बहुत आसानी से. आफ्टर बाय वेस्टिंग नॉट मोर टाइम, मैं उमर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और क्लास को कंटिन्यू करें. बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिपीट कि नाउ योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 12th ऑफ जनवरी एंड 12th ऑफ जनवरी एंड विद इन द एग्जाम आप लोगों के पास कोड, पाइथन कोड प्रोग्रामिंग जितना पढ़ा है उसमें से, और उसके साथ साथ जो है आप लोगों का नंपाय और पांडास भी शामिल होगा, जिसके आपको साथ साथ प्रिपरेशन. आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देखें
और नेक्स्ट नंबर पांडास। अच्छा पांडास के बाद 18 जनवरी को हमारी आखिरी क्लास होगी। आप 12th को एग्जाम देंगे, उसके बाद सिस्को के मॉड्यूल्स आपके लिए खोल दिए जाएंगे। उनके जो एग्जाम देगा, जो एग्जाम नहीं देगा, मैंने अभी तक वो पाइथन असाइनमेंट नंबर 6 को क्लोज नहीं किया। अगर तो किसी का रहता है तो अभी भी जमा करा दे। द थिंग इज कि हम 18 को आखिरी क्लास करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की। उसके बाद जो है क्या प्लानिंग्स होंगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। बट लास्ट की क्लास होगी हमारी 18 जनवरी को। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग। एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आप लोग इतना डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ चीजों को लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह इससे हम बहुत अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। सो आई वुड लाइक उमर टू प्लीज कम ऑन द हॉट सीट एंड लेट्स कंटिन्यू विद द टेक्निकल एंड द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द क्लास। अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में जैसे सर ने पहले ही वादे कर दिया है कि आज क्लास में हम जो है तीन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर सबसे पहली हमारी जो चीज़ है वो होगा कि हम किस तरीके से फाइल्स के दरमियान अपनी रीड ऑपरेशन, या किसी फाइल में अगर हमें कोई चीज़ राइट करवानी है या रीड करवानी है किसी फाइल से, तो वो हम तमाम चीज़ें किस तरीके से एक फाइल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है जी। देन हम सेकेंड चीज़ ये देखेंगे कि हम किस तरीके से जो हमारे पास हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज भी आज की क्लास में अंदर हम ये देखेंगे कि भाई मॉड्यूल्स का क्या काम होता है, किस तरीके से हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करा के अपनी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्या काम होता है मॉड्यूल्स का। एट लास्ट वी कवर इन दिस क्लास इंशाल्लाह नंपाई। तो सर बता चुके हैं कि नंपाई के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों नंपाई यूज़ हो रही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हमारी जो एग्जाम्पल है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो हमारा होगा कि हम किसी भी फाइल से किस तरीके से कोई भी चीज़ रीड कर सकते हैं। अगर हमारी फाइल में कोई डाटा है तो हम किस तरीके से अपनी फाइल से डाटा को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक खोल लेते हैं। जुपिटर लिखो डायरेक्ट नीचे, लिखो स्टार्ट में जुपिटर लॉक, जुपिटर लिखो शो जुपिटर स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी एक पाइथन की फाइल बना लेते हैं। अच्छा तूने स्क्रीन शेयर कर दी, सेम टू कर दो। या ज़ूम करके तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम रीड ऑपरेशंस देखेंगे कि हम किसी भी फाइल से किस तरीके से कोई भी चीज रीड करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपका ये जो प्रॉम्प्ट है आपको दो से तीन ऑप्शन देते हैं, जिसके अंदर एक आप पाइथन की फाइल बना सकते हैं, देन टेक्स्ट फाइल फोल्डर और टर्मिनल के अंदर आपको कोई काम करना हो तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, ठीक है जी। और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डेटा लिख देता हूँ, मैं डिटेल्स लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास एक जो है डेटा जो है इनिशियलाइज हो चुका है, सही है जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना ली है अपनी। उस टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी उस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डाटा है मेरा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास डाटा लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पाइथन की फाइल के अंदर उसको रीड करूँ। तो उसके लिए जो सिंटैक्स है, उसके लिए सिंटैक्स है कि मुझे लिखना पड़ता है विद ओपन, देन मुझे अपनी फाइल का नाम देना पड़ता है। अच्छा अब मेरी जो फाइल का नाम है वो है untitled.txt। तो मैं यहाँ से इसको जो है यहाँ पे untitled.txt लिख देता हूँ।
डबल हो गया, एक हो गया, तो अब उम्मीद है कि वो जो वॉइस का इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो चुका होगा। तो अब मेरी फाइल का जो नाम है, जो मेरी txt फाइल का नाम है, उसका नाम है untitled.txt। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर गेट करवा लेता हूँ। मैंने लिख दिया untitled.txt। अब मुझे यहाँ पे लिखना है s। s मैं इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि इसका जो डेटा है वो मुझे किसी एक नेम के अंदर चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसको गेट करवा रहा हूँ प्रैक्टिस फाइल के नेम के साथ, यानी उससे जो डेटा आएगा मुझे प्रैक्टिस फाइल के एक नेम के अंदर मिलेगा। अब वहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको मुझे किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर एक कंटेंट्स का वेरिएबल ले लेता हूँ और उस कंटेंट के वेरिएबल के अंदर अब जिस नाम से मैंने यहाँ पर डाटा अपनी फाइल से गेट करवाया है, सही है, उसके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। मेरी फाइल जिस नाम से मैंने डाटा गेट करवाया वो मैंने रखा था प्रैक्टिस फाइल। अब प्रैक्टिस फाइल के अंदर मुझे वो डाटा मिल गया, अब मुझे परफॉर्म करवाना है ऑपरेशन रीड का। तो यहाँ पर एक मैं रीड का मेथड जो है क्या करवाऊँगा, कॉल करवाऊँगा। और रीड का मेथड कॉल करवाने के बाद अब मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो कंटेंट है वो प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ अपना वो वेरिएबल जिसके अंदर मैंने अपने जो है जिसके अंदर मैंने अपने कंटेंट को रीड करवाया। तो अब सबसे पहले एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ओपन का जो मेथड है आपके पास, ये आपकी जो भी फाइल होती है उसको ओपन करता है, सही है। देन आपके पास जो कंटेंट आ रहा है आपको उसको किसी कोई स्पेसिफिक नेम देना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस फाइल का उसको नेम दिया हुआ है। विद मेन चीज़ है, विद का जो आपके पास कीवर्ड है, विद का कीवर्ड आपके पास ये कर रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ओपन का कीवर्ड तो लिखा हुआ है लेकिन फाइल को क्लोज करने का कोई कीवर्ड नहीं लिखा हुआ। मींस कि अगर आपके पास एक दफ़ा फाइल अगर ओपन हो जाती है तो वो क्लोज कैसे होगी। तो विद का जो आपके पास कीवर्ड है वो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है कि जब आपकी फाइल में से तमाम कॉन्टेंट रीड हो जाते हैं, यानी आपके पास जो भी आपकी फाइल में कॉन्टेंट पड़ा हुआ है जब वो आप पूरी रीड कर देता है तो विथ का जो आपके पास कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो जिस नेम से मैंने उसको मंगवाया था अपने कंटेंट को, उसके ऊपर मैंने रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करा और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ, उम्मीद है कि सही चलेगा। तो अब जब मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट करवाया, रन करा, तो उसने मुझे वही सारे कंटेंट ला के दे दिए जो मेरे पास मेरी txt फाइल के अंदर पड़े हैं। अच्छा, इसी को मैं अगर इसके साथ एक और फंक्शनलिटी लगाऊं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लाइन नंबर 6 तक जो है मुझे ये शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एंटर करके कुछ वाइट स्पेसेस दिए हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ वो चीज़ है जो मेरा बेसिक कॉन्टेंट है और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हैं उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो मुझे इसके आगे जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे इसके आगे सिर्फ एक मेथड और लिखना पड़ेगा, उसका नाम होता है आर स्ट्रिप। अब जब मैं आर स्ट्रिप का मेथड कॉल करूंगा तो आर स्ट्रिप का मेथड कॉल करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो पहले रन करने पे जो आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस या वाइट स्पेसेस आपके रिजल्ट में दिख रहे थे वो अब आपको नहीं दिखेंगे। इस एग्जांपल की दफ़ा और मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि जब मैंने सिर्फ कॉन्टेंट्स को प्रिंट करा तो कॉन्टेंट्स को प्रिंट करने पर मेरे पास जो वाइट स्पेसेस मेरी फाइल में मौजूद थे वो वाइट स्पेसेस भी यहाँ पर प्रिंट हुए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेरी फाइल के अंदर वाइट स्पेसेस हैं, क्योंकि मैं लाइन नंबर 6 तक मैंने एंटर करके वाइट स्पेसेस को जगह दी है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो सिर्फ कंटेंट है यानी जो रियल टेक्स्ट है वो मुझे शो हो तो मुझे यहाँ पर एक मेथड आर स्ट्रिप का मेथड लिखना पड़ता है जिसको कॉल कराना पड़ता है। और जैसे ही मैं आर स्ट्रिप का मेथड कॉल करता हूँ तो मेरे पास वो वाइट स्पेसेस को नेग्लेक्ट कर देता है। तो ये तो बात हो गई थी कि जब मैंने एक फाइल से जो है ना अपने डेटा को गेट करवाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास मैं एक फोल्डर बनाऊं, उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स हों और उस फाइल से मेरे पास डाटा गेट हो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट फाइल के साथ एक फोल्डर का भी ऑप्शन देता है, ठीक है जी। तो अब मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर के अंदर फिर मैं टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया है और मुझे वो फोल्डर कहीं ना कहीं यहाँ पर शो हो रहा है अनटाइटल्ड फोल्डर के नाम से। तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, अनटाइटल्ड फोल्डर को मैंने क्लिक करा और मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर आके दोबारा से मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल जनरेट कर लूँगा। अब इस टेक्स्ट फाइल को क्योंकि मेरे पास पहले ही एक अनटाइटल्ड के नाम से फाइल मौजूद है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ untitled2.txt का। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ और
फिर हम इस अब हमारी जो फंक्शनलिटी बेसिकली वो ये थी कि पहले हमने फाइल से डाटा गेट कराया था, अब हम फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल है उससे हम देख रहे हैं कि हम डाटा कैसे गेट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख लिए। अब यहाँ पर जो मैंने नाम लिख लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेरी पाइथन की फाइल है उस पाइथन की फाइल के अंदर क्या हो कि मेरे पास तो पहले डायरेक्ट क्या हो रहा था, एक फाइल आ रही थी, अब मेरे पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर कोई फाइल जो है प्लेस हुई है, मैं चाहता हूँ कि पहले वो फोल्डर में जाए, उस फोल्डर के बाद उस फाइल में जाए और उस फाइल से जो कॉन्टेंट है वो मुझे शो करे। तो मेरे पास होगा क्या, बेसिकली तमाम ऑपरेशन ऐसे ही परफॉर्म होंगे। मैं पहले क्या करता हूँ कि ये तमाम कोड जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, मैं यहाँ पे मुझे बस अपने फोल्डर का नाम देना है और अपनी फाइल का नाम देना है जो फाइल मेरे फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो हमारा जो फोल्डर था उसका नाम था अनटाइटल्ड फोल्डर, सही है, और उस अनटाइटल्ड फोल्डर के अंदर जो है मेरे पास जो फाइल है उसका नाम है untitled.2.txt। तो अब मेरे पास ये पूरा पाथ गेट हो चुका है, मेरे पास एक अनटाइटल्ड का फोल्डर था जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास टैब में एक अनटाइटल्ड का फोल्डर है, देन उसके अंदर मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है untitled.txt, ठीक है जी। और अब मेरे पास वही मेथड है जिसके अंदर मैंने आपने देखा कि मैंने चार नाम लिखे हैं, चार मेरे पास कंटेंट है, और अब मैं उसको चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास वो कंटेंट प्रिंट होगा या नहीं प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में भी हमारे पास एग्जांपल सक्सेसफुली रन हो गई है। उसने क्या करा कि वो पहले उस फोल्डर के अंदर गया जो फोल्डर मैंने जनरेट करा था आपके सामने, देन उस फाइल के अंदर गया और उस फाइल में से वो तमाम कॉन्टेंट जो मैंने लिखा था आपके सामने वो तमाम का तमाम कॉन्टेंट गेट करवा के वो आपकी स्क्रीन पे ले आया। अच्छा, अब इसके बाद हम एक एग्जांपल ये देखेंगे कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम ये कर रहे हैं कि हमें अपना ओपन के अंदर पूरा पाथ लिखना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पास एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लेता हूँ फाइल पाथ का, और उस फाइल पाथ के अंदर मैं अपना पूरा जो है ना पाथ यहाँ से कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट करवा देता हूँ, सही है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो है अपना पाथ, थोड़ा सा उमर ये भी बताएं कि वो लोग जो पाथ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो जहाँ फोल्डर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर पाथ को किस तरह से डिफाइन करें, सही, वो मतलब पाथ किस तरह से मालूम करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, ये बता। तो जैसे हम पहले भी आपको मतलब ये चीज, तो अगर आप एनाकोंडा नेविगेटर पहले से यूज कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो टर्मिनल है ये आपको तीन ऑप्शन देता है कि या तो आप कोई फाइल पाइथन की जैसे अभी हम कर रहे हैं आप वो क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, जैसे मैंने untitled.txt की आपके पास फाइल बनाई आपके सामने, देन सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है और उस फोल्डर के अंदर जाके फिर मैंने एक txt की फाइल क्रिएट करी है, तो ये आपके पास आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, मैं जो है अभी फिलहाल इस टर्मिनल से एक्सेस कर रहा हूँ, यानी फोल्डर भी यहीं पर बना रहा हूँ, फाइल भी जो है मैं यहीं पर क्रिएट कर रहा हूँ। अब अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपका जो यूजर का फोल्डर होता है आपकी सी ड्राइव के अंदर, तो यूजर के फोल्डर के अंदर आपने देखा होगा कि आपकी तमाम जो है जो यहाँ पर आप जुपिटर नोटबुक के जरिए कोडिंग कर रहे होते हैं तमाम फाइल्स आपके पास वहां पर मौजूद होती हैं। तो इफ यू हैव अ टेक्स्ट फाइल देयर, सो आप डायरेक्टली वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर आपके पास फाइल है जो आपके कंप्यूटर के अंदर है, तो डायरेक्ट आप उसका पाथ भी जो है यहाँ पर दे सकते हैं। एग्जैक्टली ये जो मैं यहाँ पर जो पाथ लिख रहा हूँ ये एग्जैक्टली समझ लें जो आपका जो यूजर के अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई होंगी ना ये एग्जैक्टली वही गेट कर रहा होगा। और अगर सी ड्राइव के अंदर या कोई फाइल है तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम डेस्कटॉप में कोई एक फोल्डर जनरेट करें और उनको बताएं कि किस तरह से आप पाथ को ले सकते हैं अपने पास, तो वो जरा सा करके बता सही है। ये एग्जांपल जो फाइल वाली, इसके बाद में जो है ना ये करके दिखा देता हूं। तो अभी मैंने जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो एक फाइल पाथ का जो है ना एक सिर्फ वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया ताकि मुझे बार बार जो है यहाँ पर जो है इसको लिखना ना पड़े। तो अब एग्जाम्पल एज इट इज वैसी ही रहेगी, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये इतना लंबा पाथ देने की जरूरत नहीं है, मैंने जो सिर्फ अपना फाइल पाथ का जो वेरिएबल इनिशियलाइज कराया मैं यहाँ पर उसको वो फाइल पाथ का अपना वेरिएबल दे देता हूँ और इट विल डूइंग द सेम थिंग कि वो आपके पास कंटेंट को रीड करेगा और आपको जो है यहाँ पर लाकर वो चीज़ दे देगा। अच्छा, अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे जिसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि अब अगर आपके पास अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अगर आपको इंडेंटेशन का ये चीज़ याद है कि आपके पास पाइथन के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको इंडेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखते तो वो चीज़ आपके पास रन नहीं होती, ठीक है जी।
तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल विथ के मेथड के बाहर अगर मुझे कोई चीज़ कॉल करानी है, या फॉर एग्जांपल मुझे कोई लूप चलाना है, तो उस जो मेरी टेक्स्ट फाइल है उसके ऊपर मुझे लूप चला के उसके कंटेंट गेट कराने हैं आउटसाइड द विद मेथड, क्योंकि ये हमारा जो पूरा मेथड है ये विद का मेथड है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास विद के मेथड के बाहर आके मुझे फॉर के लूप के अंदर वो तमाम चीज़ें मिल जाएं? तो उसके लिए हम एग्जैक्टली पुरानी वाली पहले चीज़ कर लेते हैं कि मैं एक फाइल पाथ बना लेता हूँ। तो मैं एक फाइल पाथ जनरेट कर लेता हूँ और अपनी पुरानी वाली जो फाइल थी untitled.txt उसको मैं यहाँ पर जो है क्या कर लेता हूँ, गेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर उसको untitled.txt को जो है गेट कर लिया है। और अब मैं जो है विद का अपना जो है मेथड बना लेता हूँ विद ओपन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल पाथ और एस प्रैक्टिस फाइल। यहाँ पर प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिस फाइल उसको जो है गेट करवा लिया है। अब मैंने यहाँ पर जो है कंटेंट्स जो एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कराता हूँ, तो उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज करवा के और उसमें से मुझे क्या करवाना है, कंटेंट रीड करवाना है जिस नेम से मैंने उसको गेट करा है अपनी फाइल में से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर प्रिंट नहीं कराना है इस मेथड के अंदर, मैं चाहता हूँ आउटसाइड द स्कोप, अगर आपको स्कोप याद हो कि हर चीज़ का एक स्कोप होता है, मैं चाहता हूँ मुझे इस स्कोप के अंदर वो चीज़ प्रिंट होती हुई नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कोप के बाहर, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इस स्कोप से बाहर आ जाऊँ, तो अब मेरे पास जो मेरा विद का स्कोप है वो एंड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ मुझे इस स्कोप के बाहर वो चीज़ें चाहिए, तो अब मैं उसको कैसे गेट कर सकता हूँ? तो हमने जब हम लूप पढ़ रहे थे तो हमने लूप के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हम कहते थे फॉर इन का लूप। तो फॉर इन का लूप बेसिकली कब काम करता है कि जब आपके पास कोई टेक्स्ट वगैरह हो, या बेसिकली अगर अभी जो हम एग्जांपल देखेंगे तो उसके अंदर हम ये देखेंगे अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल के अंदर मल्टीपल लाइंस हो या मल्टीपल आपके पास कंटेंट हो, तो आप उसको लूप चला के वन बाय वन कैसे गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके पास एक फॉर इन का लूप चलाता हूँ। मैं सबसे पहले फॉर लिखता हूँ, फिर आपको पता है कि आपको जब भी आप फॉर लिखते हो तो आपको क्या करना होता है, एक आपको कोई भी एक वेरिएबल या कोई भी एक नाम इनिशियलाइज कराना होता है। तो मैंने एक लाइन का जो है एक वर्ड लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर जो है फॉरिन का लूप है, तो मुझे फॉरिन का लूप चलाने के लिए क्या करना है, फॉर लिख चुका हूँ, इन लिखना है। अब ये जो रेड फॉर आ रहा है ये थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी तक ये हमें रेड क्यों दे रहा है। अब मुझे किस में से गेट करवाना है, मुझे अपने कॉन्टेंट्स के वेरिएबल के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो मेरा टेक्स्ट गेट हो चुका है, उसको फॉरिन के लूप के जरिए जो है मुझे अपने पास मंगवाना है और उसको प्रिंट करवाना है। अब मैं आ जाता हूँ प्रिंट के मेथड के अंदर और उसको जूम कर दूँ और उसको जो है मैं क्या कराता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। तो अब आपको पता है कि जब आप कोई नेम से फॉरेन का लूप चला रहे होते हैं तो आपको वही चीज़ क्या करानी होती है, प्रिंट करानी होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आपको अगर आप स्कोप के बाहर कोई चीज़ आ रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए, आपको स्कोप के बाहर, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हम विथ के स्कोप के बाहर जो है क्या कर रहे हैं, फॉरेन का लूप चला रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो हम मेथड यूज करेंगे वो सिर्फ रीड का मेथड नहीं होगा बल्कि उस मेथड का नाम होता है रीड लाइंस। जब आप रीड लाइंस का मेथड विद के रीड लाइंस का जो मेथड है उसको विद के स्कोप के अंदर लिखेंगे और फिर आप फॉरेन का लूप जो है यहाँ पर टेस्ट करेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन आपको प्रिंट करवा के आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ एम्प्टी स्पेसेस आ रहे हैं। वो एम्प्टी स्पेसेस इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद हो कि मैंने आपको एग्जांपल एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास एम्प्टी स्पेसेस आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक मेथड है डॉट आर स्ट्रिप का, तो आप वो डॉट आर स्ट्रिप का मेथड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो उसको कॉल करने से क्या होगा कि आपके पास जितनी भी आपके पास जो एम्प्टी स्पेसेस हैं या जो वाइट स्पेसेस आ रही हैं एडिशनल, तो वो तमाम की तमाम जो है क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको रिजल्ट शो हो रहा होगा कि आपके पास कैसे जो एम्प्टी स्पेसेस थी वो आपके पास क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर रन करने जा रहा हूँ, वो एग्जांपल मेरी क्या है, अभी मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन लाइंस हैं, मैं अब बेसिकली क्या हूँ तो सिक्स लाइन है लेकिन अभी उसको वाइड स्पेसिस की वजह से मेरे पास तीन लाइन्स हैं जिसके अंदर पहली मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जितना भी डेटा है ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होने के बजाय मुझे एक सिंगल लाइन के अंदर मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल एक ही लाइन के अंदर लिखा 1 till 9, सही जी, तो उसके लिए क्या एग्जांपल है, उसके लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम एग्जांपल है उसके लिए हम आपको बता देता हूँ कि उसके लिए हम एग्जांपल कैसे जो है रन करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास इतना काम तो एग्जैक्टली सेम होगा कि हमने जो है फाइल का जो है पाथ गेट करवा लिया है, फाइल का पाथ गेट करवाने के बाद हमने जो है क्या कर लिया, अपना विद का मेथड लिख लिया है।
अब मैं यहाँ पर एक चीज करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब जब भी अभी आपको मैं एक और चीज बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब मैं यहाँ पर एक एम्प्टी वेरिएबल जो है ना इनिशियलाइज करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया है वन फाइल के नाम से। इसको फाइल के नाम से रिप्लेस कर देता हूँ, वन लाइन के नाम से लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आपको एक लाइन में तमाम की तमाम चीज़ें चाहिए, सही है जी। अब वन लाइन के नाम से मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मुझे तमाम कॉन्टेंट अपना एक लाइन के अंदर चाहिए। तो अगेन, क्योंकि आउटसाइड द स्कोप हूँ मैं विद के, मैं जो है फॉरिन का लूप यूज़ करूँगा। मैंने फॉरिन का लूप यूज़ कर लिया, ठीक है जी। मेरे वेरिएबल का जो ऊपर जिसके अंदर तमाम डेटा पड़ा है उसका नाम कॉन्टेंट्स है, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ये जो चीज़ है ये बेसिकली देखने वाली चीज़ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जो मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज कराया वो एक एम्प्टी वेरिएबल है या एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है जी। उसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो अगर आपको प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर याद हो कि प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर आपके पास किस तरीके से फंक्शनलिटी परफॉर्म करता था, कि उसके अंदर जो डेटा होता था, जो आप उसके अंदर डेटा रखवाना चाह रहे हो, वो उसको एक साथ कॉन्केटिनेट कर देता था। उसकी एग्जाम्पल कैसे है वो मैं भी यहाँ पे राइट करूंगा, तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा वन फाइल प्लस इक्वल्स टू लाइन। क्यों? क्योंकि लाइन के वेरिएबल के अंदर ही मुझे तमाम की तमाम चीजें क्या हो रही होंगी, मिल रही होंगी, सही जी। तो प्लस इक्वल्स टू का अगर आपको याद हो कि ऑपरेटर क्या करता था, तो प्लस इक्वल्स टू का ऑपरेटर ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करता था कि आपके पास जो वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ हुआ है उसी के अंदर न्यू वैल्यू बार बार उसके साथ प्लस करता रहता था या अपेंड कराता रहता था। तो अब मेरे पास क्या हो चुका है कि मेरे पास मैंने वन फाइल प्लस इक्वल्स टू लाइन करा दिया, यानी एक जो मेरे पास वन लाइन का जो भी वेरिएबल एम्प्टी इनिशियलाइज हुआ हुआ है उसके अंदर मुझे बार बार लाइन से जो वैल्यू मिल रही है वो बार बार आके उसके अंदर क्या होती रहेगी, ऐड होती रहेगी। और अब मैं एक काम करा लेता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं आया, मैंने प्रिंट का सिंटैक्स लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जी आप प्रिंट कर दें वन लाइन को। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक एरर आया। ये एरर जो है मुझसे यहाँ पर एक गलती हो गई कि मैंने वन फाइल के बजाय वन लाइन लिख दिया, सॉरी। तो अब जब मैं यहाँ पर इसको रन कर रहा हूँ, सॉरी अगेन मिस्टेक, तो अब मेरे पास क्या आ चुका है, दोबारा से मेरे पास वही डाटा जो है गेट होकर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या करा है कि आर स्ट्रिप का जब मैं मेथड कॉल करूंगा, अभी तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक तमाम वही चीजें वैसी आ रही हैं कि आपके पास सिंगल सिंगल लाइन के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो वैसी प्रिंट हो रही है। जैसे आपके पास फर्स्ट लाइन के अंदर 1 2 3 लिखा हुआ था, एग्जैक्टली वो सेम वैसी आया है, देन 4 5 6 था, देन 7 8 9 था, तो एग्जैक्टली वो तमाम चीजें लाइन बाय लाइन प्रिंट हुई हैं। अगर मैं यहां पर एक आर स्ट्रिप का मेथड कॉल कर दूं और फिर इसको मैं रन करूं, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ है कि वो तमाम चीजें एक आपके पास सिंगल वेरिएबल जो आपके पास वन लाइन का वेरिएबल है उसके अंदर आपको शो हो रही है। तो इसको जरा देखते हैं कि ये इसने काम करा कैसे। सबसे पहले तो उसने एग्जैक्टली आपका फाइल का पाथ लिया, उसको एक नेम के अंदर रिस्टोर कराया, देन आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया जहां पर आपने उस फाइल के तमाम कॉन्टेंट्स को या तमाम लाइन्स को रीड कर लिया, देन आपने एक वन लाइन का वेरिएबल लिया, एम्प्टी वेरिएबल था आपका। फिर आपने क्या करा कि आपने कहा कि उस वन लाइन के वेरिएबल के अंदर हर बार जो लूप से वैल्यू आते रहे उसको स्टोर करते रहो और उसको प्रिंट करा दो। अगर आप आर स्ट्रिप का मेथड कॉल नहीं करवाते तो वो क्या करेगा, वो उस एम्प्टी स्पेस को नेग्लेक्ट नहीं करेगा। ये बात मैं आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ जब हमने ये मेथड स्टार्ट करा था कि आर स्ट्रिप का मेथड आपके पास एम्प्टी स्पेसेस को नेग्लेक्ट करेगा। तो अब जब मैंने लाइन के साथ आर स्ट्रिप का मेथड जो है कॉल कराया है या यूज करा है तो उसने एम्प्टी स्पेसेस को नेग्लेक्ट कर दिया और मेरे पास जितना कॉन्टेंट मेरा था उसको एक लाइन के अंदर जो है शो कर दिया। अच्छा, अब आपके पास कभी एक ऐसी चीज हो सकती है कि आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इतना बड़ा कंटेंट आ रहा है, आपके फाइल में मल्टीपल कंटेंट हो सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक कंटेंट आए जो आपको चाहिए और बाकी कंटेंट ना आए, ठीक है जी। अब उसके लिए क्या करें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 to 9 आ रहा है, ठीक है, मेरी पूरी फाइल का कॉन्टेंट एक लाइन के अंदर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 1 to 6 कॉन्टेंट चाहिए, इसके बाद जो 7 8 9 है वो कॉन्टेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वो कॉन्टेंट जो है मेरी स्क्रीन पर शो हो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एग्जैक्टली यही मेथड कॉपी करता हूं और अपने नेक्स्ट कमांड के अंदर जो है आपको ये चीज समझाऊंगा कि किस तरीके से होगा। अगर आपको ये चीज याद हो जो हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी,
कि आप किसी भी चीज को स्लाइस कैसे कर सकते हैं, जब आपने टपल में या लिस्ट में या इन्हीं दोनों चीजों में बेसिकली पढ़ा हो कि आप स्लाइसिंग का मेथड किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं या स्लाइसिंग को किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैंने, अगर आपको पता है कि अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखूं, जो मेरे पास यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग है जहाँ पर अभी आपको कर्सर मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग से आप जो भी चीज़ें उसको गेट कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे केस में स्टार्टिंग में वन है, तो वो क्या करेगा, वन को गेट कर लेगा। और मैं ये चाहता हूं कि वो जो है सिक्स्थ एलिमेंट तक जो है मेरे कॉन्टेंट को लेकर आए और तमाम बाकी जो कॉन्टेंट है उसको वो जो है नेग्लेक्ट कर दे। अच्छा, और उसके आगे मैं ये चीज़ भी शो करना चाहता हूँ कि मेरे पास इसके अलावा कुछ कंटेंट रहता है, तो मैं यहाँ पर जो है कुछ इंडेंटेशन कर देता हूँ। तो अब इस फाइल को रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसने क्या करा है, पहले आप देख सकते हैं कि जब मैंने बिल्कुल विदाउट स्लाइसिंग के मेथड के इसको जो है प्रिंट करा था, तो मेरी फाइल में जितनी भी चीजें थी वो तमाम की तमाम मुझे शो हो गई थी। अब जब मैंने उसके अंदर स्लाइसिंग करी है, तो उसने मुझे उतनी ही चीज लाके दी है जितनी मैंने उससे कहा कि भाई मुझे इतनी चीज आप स्लाइस करके ला दो। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि स्लाइसिंग करने के बाद क्या इसकी पुरानी लेंथ जो है खत्म हो गई होगी, क्या अभी सिक्स तक रहा होगा या अभी भी इसके ये जो है नाइन तक रहा होगा। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि हमारे केस में अभी इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी लेंथ नाइन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वन टू नाइन तमाम चीजें हमारी फाइल के अंदर मौजूद है। तो लेंथ के लिए हम, आपको पता है कि हम लेंथ के लिए मेथड यूज करते हैं len का, और मैं उसके अंदर क्या कर दूंगा, अपना वो वेरिएबल इनिशियलाइज करा दूंगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेंथ जो है हमारी उसने 9 ही बताई है, कि आपके पास जो इस वेरिएबल के अंदर जो यहाँ पर स्टोर हुआ था, आपने पहले भी देखा था कि आपके पास जो कॉन्टेंट थे या जो एलिमेंट थे 1 to 9, जो आपके पास 9 एलिमेंट होते हैं, तो लेंथ तो एग्जैक्टली उसने मुझे सेम शो करी है कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी लेंथ 9 है। अदरवाइज जब मैंने उसको स्लाइस करा, तो स्लाइस जितना मैंने उसको स्लाइस करा उसने उतना कंटेंट मुझे यहाँ पे लाके शो कर दिया। और ये जो आगे ये मैंने फर्दर इंडेंटेशन एक स्ट्रिंग जो है प्रिंट कराया हुआ, तो उसने मुझे वो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे लाके प्रिंट करके शो कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल जो है एंड होती है किसकी, कि हमने जो है क्या कर लिया कि अपनी फाइल के अंदर कोई भी चीज क्या करवा दी, रीड करवा दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, मैं अपनी फाइल के अंदर कुछ चीज राइट करवा दूँ, यानी मैं अपनी कमांड लाइन से या अपनी कोड से कोई एक ऐसी चीज लिखूं जो मेरे पास मेरी फाइल में जाए और जाके स्टोर हो जाए, यानी राइट हो जाए। अभी तक तो मैंने खुद डाटा वहाँ पे अपनी फाइल के अंदर, जो txt की फाइल्स थी उसके अंदर मैं डाटा भेज रहा था, और डाटा भेजने के बाद मैं क्या कर रहा था, उसको रीड कर रहा था। तो अब इसी तरीके से हम एक राइट का ऑपरेशन देखेंगे कि राइट का ऑपरेशन मैं किस तरीके से परफॉर्म करा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक अपना फाइल पाथ का वेरिएबल बना देता हूँ, और इसके अंदर अब मैं वो फाइल दूंगा जहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कॉन्टेंट जाके स्टोर हो। तो मैं अपनी फाइल कोई भी दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ untitled.txt। मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट जो है वो जो भी मैं यहाँ से भेजूँ वो क्या हो, यहाँ से जाए और जाके जो है स्टोर हो जाए मेरी फाइल के अंदर। अगेन मेथड सेम रहेगा, विद ओपन का मेथड रहेगा, और विद ओपन के मेथड के बाद अब मैं क्या करूँगा, अपना फाइल पाथ दूंगा। यहाँ तक तो एग्जैक्टली काम सेम है, ठीक है जी। आगे मैं एक एस के अंदर उसको प्रैक्टिस फाइल में भी क्या कर देता हूँ, उसको मंगवा लेता हूँ। चेंजेस थोड़ी सी होनी है यहाँ पे, जब आपने अपनी फाइल का पाथ दिया तो चेंजेस थोड़ी सी यहाँ पर होनी है। वो चेंजेस क्या होनी है कि यहाँ पर आपको देना है W। W इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये आपका राइट का ऑपरेशन है। आपका सवाल ये भी हो सकता है, तो रीड के अंदर आपने R क्यों नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले आप जब भी रीड करा रहे थे तो यहाँ पर आपने फाइल पाथ के बाद कॉमा और अंडर स्कोर के अंदर जो है या ब्रेक उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आपने R तो नहीं दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास विद का मेथड है वो रीड को बाय डिफॉल्ट जो है सपोर्ट कर रहा होता है। अदरवाइज अगर आपको राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या आगे चल के हम एक और ऑपरेशन देखेंगे अपेंड का, अगर आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वैसे मैंने यहाँ पर डब्ल्यू लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो फाइल का नेम है। अच्छा, एक उबैद साहब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जीरो से लेके सिक्स तक प्रिंट क्यों है, सिक्स तक प्रिंट क्यों हुआ है। तो बेसिकली स्लाइसिंग में आपके पास वन माइनस तक प्रिंट होता है। तो मुझे लग रहा है आपने स्लाइसिंग पढ़ी नहीं होगी जब क्लास में पढ़ाई जा रही होगी। अच्छा जी, तो ये हमने कर लिया। अब रीड का ऑपरेशन तो हम देख चुके थे, राइट ऑफ कराने का ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैंने कहा कि भाई जो मैंने जिस नाम से इनिशियलाइज कराया, यानी जो फाइल मेरे पास आ चुकी है, उसके अंदर आप क्या करो, उसके अंदर आप एक राइट का मेथड जो है परफॉर्म करो, और उस राइट के मेथड के अंदर अब जो मैं यहाँ से कंटेंट दूँ
वो ले आकर वहां पर इनिशियलाइज करवा देना, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ठीक है जी। रन करने पे इस स्क्रीन पे आपको कोई रिजल्ट शो नहीं होगा क्योंकि ये राइट का ऑपरेशन है, सही है जी। तो अब इसने मुझे यहाँ पे कुछ शो नहीं करा। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये चीज देखनी है कि मेरी जो फाइल थी untitled.txt वहां पे क्या कोई राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपनी untitled.txt के अंदर और इसको जो है सेव करने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ मतलब एक डायलॉग बॉक्स देगा। डायलॉग बॉक्स देने का उसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है उसको पता है कि आप उस फाइल के अंदर चेंजेस कर चुके हैं। अब जब हम इसको देखते हैं, ओवरराइट करते हैं, तो ओवरराइट करने के बाद हम इस मेथड को एक और दफा रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रीलोड का मेथड, रीलोड के बटन पे क्लिक करा, तो उसने क्या करा कि मैंने जो कॉन्टेंट अपनी कमांड लाइन से यहाँ पे दिया था, उसने वो कंटेंट ले आकर इस फाइल के अंदर जो मेरे जहां पर पहले मेरे पास 1-9 काउंटिंग लिखी हुई थी वहां पर उसने 000 जो है प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली ये आपके पास राइट का ऑपरेशन होता है कि जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, अपना कोई भी कॉन्टेंट किसी फाइल के अंदर रखवा रहे हो। तो अब एक सवाल ये हो सकता है कि हमने राइट का मेथड तो चले यूटिलाइज कर लिया, अपनी कोई भी फाइल के अंदर हमने जो है कोई भी कॉन्टेंट लिखवा दिया, लेकिन हमारा जो पुराना कंटेंट है तो वो तो क्या हर दफा रिमूव होता रहेगा? अगर हमारे पास कोई बेसिक चीज है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हमें फर्दर इन फ्यूचर गेट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए भी एक मेथड होता है अपेंड का, वो हम आगे चल के देखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा राइट के ऑपरेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं इसके अंदर एक और अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फाइल में स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो आपने न्यूमेरिक वैल्यूज तो प्रिंट करके दिखा दी, रीड करके दिखा दी, तो स्ट्रिंग वैल्यूज भी रीड हो जाएगी। तमाम की तमाम वैल्यूज जितनी डेटा टाइप्स की वैल्यूज हैं, वो तमाम की तमाम वैल्यूज आप गेट करवा सकते हैं, राइट करवा सकते हैं। तमाम जितने भी ऑपरेशन अभी हम आपको इस क्लास में करके दिखा रहे हैं, वो तमाम ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप जब हेल्प डेस्क में यहाँ पर आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है कि मैंने एक और राइट की कमांड से यहाँ पर जो है क्या करा है, एक और टेक्स्ट दिया है और मैं देखता हूँ कि मेरे पास वो वहाँ पे मेरी फाइल के अंदर स्टोर होगा या नहीं होगा। यहाँ से मैंने इसको सेव करा, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। तो अब मेरे पास कमेंट्स का जवाब दो। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास उसी फाइल के अंदर और मेरा कॉन्टेंट जो है अपेंड हो चुका। अब यहाँ पर जो मेरे पास कॉन्टेंट आया है, मैंने यहाँ पे तो एक अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कराए थे राइट के, एक जगह मैंने 000 करवाया था, एक जगह मैंने 111 करवाया था, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या हो चुके हैं, एक ही लाइन के अंदर आ चुके हैं। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको जो है /n का जो मेथड है वो आप जो है यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। और /n का मेथड यूटिलाइज करने के बाद क्या होगा कि वो एग्जैक्टली जब भी प्रिंट होगा वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा। तो रीलोड करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको रीलोड करा तो रीलोड करने पे क्या हुआ है, अब मेरे पास जो मेरा कंटेंट है वो न्यू लाइन में आ गया, क्योंकि दिस इज नॉट अ बिग थिंग। मैंने यहाँ पे सिर्फ /n का जो है यहाँ पर क्या करा है, ऑपरेशन परफॉर्म करा है, तो उसने /n, आपको पता है कि वो जो भी चीज़ प्रिंट करता है वो न्यू लाइन से प्रिंट करता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, यहाँ इस पॉइंट तक हम क्या करवा चुके हैं, अपना अपने किसी भी फाइल के अंदर कोई भी चीज़ क्या करवा चुके हैं, राइट करवा चुके हैं। अच्छा, अब हम एक चीज़ ये देखेंगे कि हम किस तरीके से, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि इस एग्जांपल के अंदर, इस फाइल के अंदर पहले मेरे पास काउंटिंग जो थी वो थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देन जब मैंने उसको पर राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करा था, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या हुआ कि मेरे पास जितना मेरा पुराना कॉन्टेंट था वो तमाम का तमाम रिमूव हो गया और जो मैंने उसको नया कॉन्टेंट दिया वो यहाँ पर आकर क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब जब मेरे पास नया कॉन्टेंट आ चुका है तो मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरे पास जो एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हो कि मेरे पास जो पुरानी चीज़ें मेरी फाइल में पड़ी हुई हैं वो पुरानी चीज़ें भी मेरी फाइल में मौजूद रहें, और जो मैं नई चीज़ कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ, यानी एक राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेरी पुरानी चीज़ें हैं या पुराना कॉन्टेंट है वो भी स्टोर रहे, और साथ ही साथ जो मैं नई चीज़ अपनी फाइल को भेजना चाह रहा हूँ वो नई चीज़ भी मेरी फाइल को मिल जाए, तो इसके लिए हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं अपेंड का ऑपरेशन। तो अपेंड का ऑपरेशन भी आपके पास एग्जैक्टली बिल्कुल सेम तरीके से ही परफॉर्म होता है। यहाँ पर हम इसको चेक करके देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास अपेंड का ऑपरेशन क्या होता है, परफॉर्म होता है। मैं क्या करता हूँ, मैंने एग्जाम्पल को अपनी कॉपी करा है, मैं कुछ फजूल चीज़ें जो हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर काम नहीं आने वाली उसको मैं हटा देता हूँ, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो,
मेरे पास 222 जो है वो मेरे पास क्या हो जाए, मेरी फाइल के अंदर अपेंड हो जाए, यानी इसके बाद जो है 000 देन 111 और अब जो मेरे पास है वो 222 है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर मैं राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करने पे मेरे पास क्या होगा, राइट का ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म करूंगा ना तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे W लिखता हूँ तो वो मेरी जो मेरी फाइल है उसको ओवरराइट कर देगा और उसके अंदर ले आके कॉन्टेंट रख देगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर A लिखता हूँ और अब A लिखने पर मैं जाके जरा चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ जो है परफॉर्म हुई है वहाँ पे, मैं इसको रीलोड करता हूँ और रीलोड करने पर आप देख सकते हैं कि अब उसने क्या करा है, अब उसने एक चीज़ ये करी है कि मेरे पास जो मेरा कंटेंट है उसको ओवरराइट नहीं करा, यानी पुराना कंटेंट मेरा नहीं गया बल्कि अपेंड, ये जो हमने ए लिखा है ए का मतलब है हमारे पास अपेंड, तो अपेंड के ऑपरेशन ने मेरे पास ये करा कि जो मेरी पास फाइल थी उसी फाइल के अंदर जो मैंने कंटेंट यहाँ से भेजा है वो कंटेंट उसने ले आकर वहाँ पर प्लेस कर दिया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जब भी आप करोगे तो आपके पास राइट का मेथड ही कॉल होगा, बस चेंजेस कहाँ पर आएंगे कि जब आप अपने फाइल पाथ के बाद आप मेन ऑपरेशन उसको बताओगे कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, राइट आइदर राइट करना है, तो राइट में क्या होगा कि वो ओवर राइट कर देगा आपके पुराने कंटेंट को, टोटली रिमूव कर देगा, और ए के अंदर क्या होगा कि वो अपेंड करेगा, अपेंड आपको पता है कि वो पुरानी चीज़ के साथ ले आके आपकी जो भी नई चीज़ होगी उसको प्लेस कर देगा। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्टेंट्स थे जो हमने उसको यहाँ पर कवर करा कि आप किस तरीके से राइट करा सकते हो, किस तरीके से रीड करा सकते हो, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अपेंड करा सकते हो। अब आपके पास क्या होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं, सही जी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आपके पास एक नंबर है 5 और आपके पास एक नंबर है 0, मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 को 0 से डिवाइड करें, तो अगर मैं नॉर्मली पाइथन को बोलूँगा कि 5 को आप 0 से डिवाइड करो तो वो वहाँ पर मुझे देता है 0 डिवीजन एरर, यानी वो ये बताता है कि भाई ये ऑपरेशन में परफॉर्म नहीं कर सकता या कोई भी चीज़ जो है 0 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो हमारे पास पाइथन के अंदर ये जो केसेस होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सेप्शन, यानी जो एरर्स अगर आपको कंट्रोल करने हैं, जो आपको बाय डिफॉल्ट एरर पता है कि जैसे हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड करेंगे तो पाइथन आपको देगा 0 डिवीजन एरर, यानी वो बोलेगा कि भाई कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड नहीं हो सकती। इसी तरीके से इसके बाद जो हम एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊंगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी फाइल के अंदर रीड करवाना किसी फाइल से रीड करना चाह रहे हैं या किसी फाइल के अंदर राइट या अपेंड करवाना चाह रहे हैं और अगर आपका फाइल का पाथ सही नहीं है तो उस टाइम भी आपको जो है ना पाइथन एरर देता है। वो पाइथन आपको क्या एरर देता है कि फाइल नॉट फाउंड। तो ये जो तमाम एरर हमें पता है कि पाइथन ही हमें एरर दे सकता है, इस एरर को हम कैसे कंट्रोल करें, ठीक है जी। तो अब मैं एग्जाम्पल आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ना एक फर्स्ट नम का वेरिएबल इनिशियलाइज कराता हूँ, उसको मैंने दे दिया 5। सेकंड नम जो है मैं एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कराता हूँ, उसको मैंने दे दिया 0, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपके पास जो नंबर आ रहे हैं अगर उसके अंदर कोई 0 है और वो 0 आपका डिवाइड हो रहा है फर्स्ट नंबर से, तो आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली आपको एरर दे देगा। तो ये चीज़ आपको अपने एग्जीक्यूशन से पहले चेक करानी है। तो पाइथन के अंदर हमारे पास ट्राई एंड कैच के ब्लॉक यूज़ होते हैं। आप क्या करते हो, ट्राई और कैच का ब्लॉक, अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस में बात करें तो आपके पास एक ट्राई और कैच का ब्लॉक होता है जिसके जरिए आप क्या करते हो कि किसी चीज़ को ट्राई करते हो और उससे आने वाला जो एरर है उसको आप कैच के ब्लॉक के अंदर हैंडल करते हो। पाइथन के अंदर हमारे पास होता है ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक कि आप कोई चीज़ ट्राई करते हो, यानी मैं कहता हूँ कि भाई मेरे इन दोनों नंबर को डिवाइड करो, और एक्सेप्ट के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि ये एरर अगर हो तो फिर आपको आगे क्या काम करना है। तो मेरे पास जैसे आपने देख लिया कि मेरे पास एक नंबर है 5 और मेरे पास सेकंड नंबर है 0, तो मैं अपने आप ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक जो है क्या करता हूँ यहाँ पर जो है मैं इनिशियलाइज कराता हूँ और उसके अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ, मैंने अपने ट्राई का ब्लॉक लिखा। एग्जैक्टली बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इंडेंटेशन का ध्यान ज़रूर रखना है। तो मैंने कहा एक आंसर का वेरिएबल आप लें और उस आंसर के वेरिएबल के अंदर रिजल्ट स्टोर करा दीजिएगा फर्स्ट नम और डिवाइड कर दें इसको सेकंड नम से। तो सेकंड नम मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो मेरे पास जो भी रिजल्ट होगा, जो फर्स्ट नंबर को अगर सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास आंसर के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो है एक आंसर का वेरिएबल क्या कह रहे हैं उमेर, पर्टिकुलर लोकेशन या लाइन पर कैसे अपेंड करेंगे, मतलब किसी डेटा के बीच में रखना हो या किसी लाइन में चूज करके रखना हो तो वो कैसे करेंगे।
ये क्लास के एंड में डिस्कस करके उनको बता देंगे किस तरीके से। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना डाटा एक्सेस करवाना है या राइट करवाना है या कोई पर्टिकुलर डाटा रीड करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइन नंबर 2 का डाटा रीड करना है या मुझे लाइन नंबर 2 पे अपना डाटा जो है ना राइट करवाना है या अपेंड करवाना है, तो वो मैं कैसे करूँ? तो ये एट द एंड ऑफ द क्लास हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, उसके जरिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कुछ चीज़ें हमने प्रिपेयर करी हुई। तो एट द एंड ऑफ द क्लास हम आपको वो चीज़ें डिस्कस करके मतलब आपकी नॉलेज में ले आएंगे कि ये तमाम काम आप कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमारी बात चल रही थी ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक आंसर का वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और जो भी आंसर होगा वो आपके पास इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर अगर 3 ले लेता हूँ तो वो 5 को 3 से डिवाइड करके जो भी आपका आंसर होगा उसको आंसर के वेरिएबल के अंदर क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया अगर मैं अपने सेकेंड नंबर में क्या दे दूँ, 0 दे दूँ, तो मेरे पास कौन सा एक एरर जनरेट हो जाएगा? मेरे पास एरर जनरेट हो जाएगा 0 डिवीजन एरर। ये पाइथन का बाय डिफॉल्ट एरर होता है कि अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास ये एक्सेप्शन आती है कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सेप्ट, ठीक है, और उस एरर का नाम, उस एरर का जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो है 0 डिवीजन एरर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 डिवीजन एरर और यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन का मसला आ गया है। तो 0 डिवीजन एरर के बाद जो है मैंने यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और 0 डिवीजन एरर के अंदर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको 0 डिवीजन एरर मिले, यानी अगर आपका सेकंड नंबर या जो भी नंबर आपका डिवाइड हो रहा है वो 0 से डिवाइड हो रहा हो, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, आप यहाँ पे कर दो प्रिंट दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म। सही है जी। अच्छा भाई, अब ये तो हो गया कि आपने ट्राई करा और आपने बता दिया कि भाई अगर आपका सेकंड नंबर 0 हो तो वो अगर 0 डिवीजन एरर हो तो ये चीज जो है क्या कर दे, प्रिंट कर दे। अच्छा, अब अगर 0 नहीं हो, कोई दूसरा नंबर हो, तो फिर क्या हो? तो यहाँ पर आपके पास एक else का ब्लॉक होता है, ठीक है जी। तो else के ब्लॉक के अंदर मैं क्या बोलूँगा, मैं else के ब्लॉक के अंदर आऊँगा, मैं उससे बोलूँगा कि भाई आप प्रिंट कर दो, क्या चीज़ आप प्रिंट कर दो, आप आंसर को प्रिंट कर दो। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल के अंदर होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि फर्स्ट नंबर 5 है, सेकेंड नंबर 3 है। ये ट्राई करेगा, यानी आप ट्राई के अंदर वो क्या करेगा कि फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड करेगा, सही है, और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब जब वेरिएबल के अंदर वो स्टोर करेगा, अगर आपके पास आपका नंबर 0 से डिवाइड हो रहा होगा तो आपके पास ये एरर आएगा और वो इस चीज़ को प्रिंट कर देगा। अदरवाइज वो आपके पास क्या करेगा, जो आपका वेरिएबल जिसके अंदर रिजल्ट आके स्टोर हुआ है वो उस चीज़ को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर रन करके देखते हैं कि हमारे पास आइदर आंसर आता है या कोई एरर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, एग्जैक्टली आंसर आ चुका है कि जब मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एल्स का ब्लॉक चला, उसने सबसे पहले ट्राई के ब्लॉक को रन करा और 5 को 3 से डिवाइड करा। 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आया उसने एल्स का ब्लॉक जो है रन कर दिया, क्योंकि आपके पास 0 डिवीजन एरर परफॉर्म नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं 3 को रिप्लेस कर देता हूँ 0 से। अब मेरे पास लाजमी तौर पर 0 डिवीजन एरर जो है अकर होना चाहिए और मेरे पास एक्सेप्ट का ब्लॉक रन होना चाहिए। तो मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा से रन करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसी मैंने क्या करा है, अपने नंबर को 0 से डिवाइड करा है, तो मेरे पास एक एक्सेप्शन का जो ब्लॉक था वो चल गया है, जिसके अंदर मैंने क्या प्रिंट में लिखा था, मैंने कहा था कि दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है 0 डिवीजन एरर आ चुका है। आपने एक नंबर को 0 से डिवाइड करा है जिसके ऊपर आपको पाइथन 0 डिवीजन एरर देता है और उस चीज को आपने कंट्रोल कर लिया है अपने एक्सेप्ट के ब्लॉक से और आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है कि दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म। दैट मीन्स कि अगर इस प्याफ में कभी भी कहीं पे भी कोई भी एरर आएगा तो जो भी एरर आपने एक्सेप्ट के बिहाफ में डिफाइन किया होगा तो उसके उसके बिहाफ में वो स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी आपके पास। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक काम करने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये तो आपके पास था 0 डिवीजन एरर। इसी तरीके से आपके पास पाइथन के अंदर एक एरर होता है जिसको मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि जब अगर आपको कोई फाइल आपको रीड करवाना है किसी फाइल में से कोई या कोई चीज़ राइट करवानी है, अपेंड कराना है, और आपने फाइल का पाथ गलत दे दिया तो पाइथन को वो फाइल नहीं मिलने वाली। तो पाइथन आपको कैसे बताया कि भाई आपने जो पाथ दिया है वो गलत पाथ दिया है? तो यहाँ पर पाइथन जो आपको एरर देता है उस एरर का नाम होता है फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है जी, इसको भी हम रन करके देखते हैं। तो इसको रन करने के लिए मैं अपने लिए अपने पास एक ट्राई का ब्लॉक जनरेट कर लेता हूँ और ट्राई के ब्लॉक के अंदर मैं आ जाता हूँ। और ट्राई के ब्लॉक के अंदर आने के बाद आपको पता है कि जब भी हमें रीड राइट या अपेंड ऑपरेशन करवाना होता है तो मैं क्या करता हूँ कि
जो है ओपन के मेथड के अंदर अपना फाइल का पाथ देता हूँ, तो मैं यहाँ पर फाइल का पाथ दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ अनटाइटल्ड डॉट टी एक्स टी, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर उसको फॉर्मेट कर देता हूँ और फिर उसको एक नाम दे देता हूँ, अपना पुराना नाम प्रैक्टिस फाइल। और प्रैक्टिस फाइल के अंदर आने के बाद फिर मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि मैं जैसे जो पहले हम चीज़ करते हुए आ रहे थे कि मैंने क्या करा है कि मैंने कंटेंट्स लिख दिया, और कंटेंट्स के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसके तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप क्या कर लो, रीड कर लो। ठीक है जी, तो अब वो रीड कर लेगा, सही है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है कि अगर उसको फाइल ना मिले तो एक्सेप्ट का ब्लॉक जनरेट कर लेते हैं। मैं एक्सेप्ट का ब्लॉक जनरेट करता हूँ, और एक्सेप्ट का ब्लॉक जनरेट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पास एरर का नाम था जीरो डिवीजन एरर, जब फाइल नहीं मिलेगी। तो आपके एरर का क्या नाम है, आपके एरर का नाम है फाइल नॉट फाउंड एरर। तो मैं यहाँ पर वो एरर लिख लेता हूँ, फाइल नॉट फाउंड एरर। और फाइल नॉट फाउंड एरर के अंदर भी मैं क्या करा देता हूँ, कोई चीज प्रिंट करवा देता हूँ और कह देता हूँ योर फाइल पाथ इज नॉट करेक्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये तो था एरर के जब अगर उसको फाइल ना मिले। अच्छा, अगर फाइल सही मिल जाए तो फिर क्या हो, अगेन एग्जैक्टली वही काम हो कि मेरे पास जो फाइल के अंदर चीजें पड़ी हुई है वो मेरे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो मेरे पास जो वेरिएबल है कंटेंट उसके अंदर तमाम चीज़ें रीड होकर आ चुकी होंगी। तो जब रीड होकर आ चुकी है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है अपने वेरिएबल का नाम, और मैं उसको रन करके देख लेता हूँ। तो जब मैंने इसको रन करा है तो यहाँ पर क्या हो चुका है, मेरे पास जो कॉन्टेंट थे वो बिल्कुल सही थे, मेरा फाइल का पाथ बिल्कुल सही था, तो उसने मुझे वो कॉन्टेंट जो है ला के दे दिया। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा कुछ छेड़खानी करते हैं ताकि हमारे पास फाइल नॉट फाउंड का जो एरर है वो जनरेट हो। मैं यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ अनटाइटल 3.txt। तो अब लाजमी से बात है कि मेरे पास कौन सा एरर जनरेट होना चाहिए, मेरे पास एरर जनरेट होना चाहिए फाइल नॉट फाउंड एरर, यानी एक्सेप्शन का ब्लॉक जो है मेरे पास रन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसी मैंने फाइल का नाम गलत दिया तो मेरे पास जो एक्सेप्शन थी फाइल नॉट फाउंड एरर वो मेरे पास यहाँ पर रन हुई। और जो मेरी प्रिंट की स्टेटमेंट थी जहाँ पर मैंने ये चीज़ वाजे करी है कि दिस योर फाइल पाथ इज नॉट करेक्ट, तो वो चीज़ मेरे पास जो है रन हो गई। तो आपके पास बेसिकली ये दो मेन एरर्स होते हैं जो पाइथन के बाय डिफॉल्ट होते हैं। एक होता है जीरो डिवीजन एरर, अगर आपका कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा है तब, और फिर उसके बाद आपके पास होता है एक एरर जिसको आप कहते हो फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं कि आपके पास जो आपके CSV फाइल आपके पास होती हैं, CSV बेसिकली कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जो आपके पास एक्सेल की फाइल होती हैं उस वो आपके पास एक CSV फाइल होती है। ठीक है जी। तो अब अगर आपके पास कोई एक एक्सेल की फाइल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, उसके अंदर आपको पता है आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल डाटा होता है, उन फाइल्स के अंदर से आप डाटा को कैसे गेट करो। ठीक है जी। उन फाइल के जो आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सेल की फाइल है, उसके अंदर से आप डाटा कैसे गेट करो। मैं आपके हमारे पास जो एक्सेल की फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी एक्सेल की फाइल है उसके अंदर जो डाटा है वो किस तरीके से स्टोर हुआ हुआ है, और फिर हम देखेंगे कि हम उस डाटा के जरिए जो है हम क्या करेंगे, उस जो हमारे एक्सेल की फाइल के अंदर डाटा है उसको हम कैसे गेट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने फाइल के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर एक CSV की फाइल है जहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम लिखे हुए हैं, डिज़ाइन मतलब उसको बनाने वाले कौन थे, उसके बाद वो किस ईयर में डेवलप हुई, उसकी एक्सटेंशन क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ये CSV फाइल है। अब इस CSV फाइल को मुझे क्या करना है, उसका डाटा मुझे रीड करना है और मुझे जो है ना इसको अपनी पाइथन की फाइल के अंदर यूटिलाइज करना है। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसके लिए मैं काम ये करता हूँ कि मैं दोबारा से आ जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर जहाँ पर मैं काम कर रहा था। अब CSV फाइल को यूज़ करने का या यूटिलाइज करने का तरीका क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम एक कमांड लिखते हैं इम्पोर्ट। मे बी पॉसिबल आपने जो है इम्पोर्ट पहले पढ़ा हुआ हो, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो अब ये जो चीज़ है ये यहाँ पर, यहाँ से जो हमारी जो एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है वो हमारे पास एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है मॉड्यूल्स की, कि आप बेसिकली किस तरीके से किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हो, किसी मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी। तो अब सबसे पहला जो हम मॉड्यूल यूटिलाइज करने जा रहे हैं
उस मॉड्यूल का नाम है सीएसवी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कोई भी मॉड्यूल यूटिलाइज करना है अपनी फाइल के अंदर, तो सबसे पहले आपको उसको इम्पोर्ट कराना जरूरी होता है। तो मुझे यहाँ पे मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है सीएसवी का। इसके अलावा अगर मैं सीएसवी का मॉड्यूल इम्पोर्ट ना करूँ और मैं चाहूँ कि मेरे पास डेटा उठ के मेरी सीएसवी फाइल से आ जाए, जैसे अभी तक टेक्स्ट की फाइल से आ रहा था, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। आपको सबसे पहले सीएसवी का मॉड्यूल इम्पोर्ट करना होगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपके सामने करने जा रहा हूँ। मैंने अपने पास सबसे पहले सीएसवी का मॉड्यूल जो है क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। अब सीएसवी का मैंने मॉड्यूल इम्पोर्ट कर लिया, अब एग्जैक्टली वही पुराना काम कि विद ओपन का मेथड। विद ओपन के मेथड के बाद जो है मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, अपनी फाइल का नाम देता हूँ। मेरी फाइल का नाम जो है आई थिंक है डेटा डॉट सी एस वी, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ डेटा डॉट सी एस वी। देन मैं प्रोसीड करता हूँ अगेन, उसको किसी नाम, कोई नाम दे देता हूँ जहाँ पर तमाम डेटा मेरे पास आएगा, और फिर वही ऑपरेशन जो अभी तक हम परफॉर्म करने करते हुए आ रहे हैं, कि मुझे चाहिए कि मैं इसके अंदर क्या कर लूँ, रीड जो है करवा लूँ। अच्छा, एक और चीज़, अभी तक अगर आपको याद हो कि अभी तक जो आप चीज़ रीड कर रहे थे या फाइल, तो आप इस तरीके से लिखते थे, जहाँ पर आपने नेम स्टोर कराया उसमें या तो आप रीड लाइन्स लिखते थे, या जो है आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे रीड ओनली, जैसे आप रीड लिखते थे या रीड लाइन्स लिखते थे। अगर आपको सी एस वी की फाइल में से कोई चीज़ रीड करवानी है, या आपको सी एस वी के जो डेटा है सी एस वी फाइल का वो चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी सिंटेक्स में चेंज है। वो सिंटेक्स में चेंज क्या है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है csv.reader, यानी इसका मेथड ये है, इसको यूटिलाइज करने का, csv फाइल को यूटिलाइज करने का मेथड है csv.reader, ठीक है। अब इसके अंदर आप वही नाम दे देंगे जिसके अंदर आपके पास तमाम फाइल, मतलब जो डाटा है वो आया है, जैसे जो हमारे पास प्रैक्टिस फाइल है। और अब यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो csv फाइल है उसके अंदर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल लाइन में आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है जो अभी तक आप यूटिलाइज करते हुए आ रहे थे। तो अब ये जो चीज़ है आपके पास, ये आपके पास फॉर इनके लूप के बगैर रन नहीं हो सकती। यानी csv फाइल को अगर आपको रीड करना है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको चेंज बता दिया कि आपको नंबर वन के csv का मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है, देन csv.reader का जो मेथड मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करा है आपको वो यूज़ करना है, और थर्डली आपको क्या करना है कि आपको फॉर इनका लूप जो है क्या करना है, इनिशियलाइज कराना है, जो आपकी csv फाइल के अंदर से डाटा लाएगा और आपको आपकी स्क्रीन पे शो करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक फॉर इनका लूप बना लेता हूँ। आपको पता है कि अगर आपको फॉर इनका लूप यूटिलाइज करना, तो आपको कोई फॉर के बाद नेम देना पड़ता है, देन इन लिखना पड़ता है, और फिर जिसके अंदर वो चीज़ आके स्टोर हुई हुई है जो आपका वेरिएबल है। इन दिस केस हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है वो है कॉन्टेंट्स, तो मैंने उसको कॉन्टेंट्स लिख दिया। और अब मैं प्रिंट करवा लूंगा, क्या चीज़ प्रिंट करवा लूंगा, अपनी लाइन। तो अब मैं इसको देखता हूँ रन करके, उम्मीद है कि बिल्कुल सही रन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास आपकी csv फाइल से जो डाटा है वो क्या हो चुका है, वो आपके पास एग्जैक्टली रीड हो चुका है, यानी csv फाइल से वो डाटा आ चुका है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि आपके पास एग्जैक्टली वही सेम डाटा आया है जो आपकी csv फाइल में मौजूद था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, देन आपके पास डिज़ाइन लिखा हुआ है, अपेयर्ड है, और देन है एक्सटेंशन। तो क्या हमारे पास भी ऐसे प्रिंट हुआ है? जी बिल्कुल, आपके पास सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंट हुआ, देन डिज़ाइन बाय, देन अपेयर्ड, देन एक्सटेंशन, देन लाइन बाय लाइन आपके पास जो जो डाटा मौजूद है हर लाइन के अंदर वो आपके पास प्रिंट होता हुआ आपको शो हो रहा है। अच्छा जी, अब तो अभी तक जो हमने बात करी है अपनी आज की क्लास में, हमने बात कर ली कि आपने जो है टेक्स्ट फाइल बना ली, रीड करवा लिया, राइट करवा लिया, अपेंड करवा लिया, फिर हमने देखा कि मॉड्यूल आपने सीएसवी का इंपोर्ट कर लिया और आपने सीएसवी फाइल को भी रीड कर लिया। अब आपके पास पाइथन के अंदर कोई कुछ बिल्ट इन ऐसे मॉड्यूल हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पाइथन के अंदर आपके पास कुछ, अरे ग्लास पानी मिल जाएगा, अच्छा, आपके पास पाइथन में कुछ ऐसे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि आप जो अगर आपको कोई चीज़ यूटिलाइज करनी है पाइथन की, जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, तो आप उनको कैसे यूटिलाइज करें। तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, जो वैसे तो बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स की पाइथन के अंदर, लेकिन हम जो आपको अभी जो क्लास में कवर करवाएंगे वो है एक मैथ का मॉड्यूल, जो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, पाइथन आपको प्रोवाइड करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पाइथन का, अच्छा, मैथ का भी जो मॉड्यूल है, वो मैथ का मॉड्यूल आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया जब हम csv फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं किया जो आप, अगर आप, अच्छा एक और बात,
आप जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन आया कि आप जो एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या सपोर्ट नहीं है। देखें, अगर आपको एक्सेल की फाइल को रीड करवाना है तो आप क्या करोगे, आपके पास एक्सेल में एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का, तो आप क्या करेंगे, अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे SCSV। तो ये बहुत कॉमन ऑप्शन होता है, अगर आप लिनक्स भी यूज कर रहे हैं या मैक यूज कर रहे हैं या विंडोज यूज कर रहे हैं, तो विंडोज में जैसे एक्सेल होता है, लिनक्स में लिब्रा होता है, और इसी तरीके से जो है मैक में उसका अलग एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का। तो आपकी जो भी फाइल है अगर आप उसको एक्सपोर्ट एज CSV कर दोगे तो आप फिर CSV की एक्सटेंशन से ही उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अच्छा जी, हम तो यहाँ पे कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, जिसके अंदर से हमारे पास एक मॉड्यूल है मैथ का मॉड्यूल, जो पाइथन आपको बिल्ट इन देता है, जैसे CSV का था, आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, अब आपके पास एक मैथ का मॉड्यूल है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हर चीज को, हर मॉड्यूल को यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है, ठीक है जी, ताकि आप उसको क्या कर सको, यानी आप बेसिकली ये बोलते हो कि भाई इस चीज को इम्पोर्ट करो ताकि मैं इसको यूज कर सकूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक मैथ का मॉड्यूल है, आप इसको इम्पोर्ट कर लो। अच्छा, मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया, अब देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अब आपके पास मैथ के मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो आपको मैथ का मॉड्यूल क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसमें से मेरे पास एक ऑपरेशन है पाई का, यानी पाई की वैल्यू, तो आप सबको पता है कि पाई की वैल्यू हम नॉर्मल जो मैथ के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो मैथ के अंदर जो मेरा मैथ का एक पूरा मॉड्यूल है, जो मुझे बहुत सारे ऑपरेशन उसके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल पाई है, एक्सपोनेंट है, देन आपके पास सील है, फ्लोर है, स्क्वायर रूट है, तो आप मल्टीपल ऑपरेशन जो है मैथ के मॉड्यूल के जरिए परफॉर्म करा सकते हैं। तो मैंने उसको कहा कि भाई प्रिंट कर दो मैथ डॉट पाई, यानी मैथ का जो मॉड्यूल है उसके अंदर जो पाई की वैल्यू है वो मुझे क्या चाहिए, आप मुझे ला के दे दो। तो उसने यहाँ पर प्रिंट कर दी। अच्छा, अब यहाँ से जो एग्जाम्पल हमारी मैथ के मॉड्यूल से स्टार्ट हुई है, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि आप मॉड्यूल्स को डिफरेंट तरीके से इम्पोर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने CSV का मॉड्यूल इम्पोर्ट कर लिया, इट विल गोस फाइन। देन हमने मैथ का मॉड्यूल इम्पोर्ट कर लिया, इट ऑल्सो गोस फाइन। अब मैं क्या करूँ, मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ कि भाई मुझे मैथ का जो मेरे पास मॉड्यूल आ रहा है ना, उसका नाम चेंज कर दूँ, उसको मुझे कोई अपना नाम देना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट मैथ, और अब अगर मुझे किसी और नाम से अपनी पूरे ऑपरेशन के अंदर उसको यूटिलाइज करना है, अभी तक तो मैं सिर्फ लिख रहा था मैथ डॉट पाई और मुझे उसने मैथ के मॉड्यूल में से पाई की वैल्यू ला दी थी, अब मैं कहता हूँ कि इसको जो है ना, मैं जो नाम दे रहा हूँ अब इसको फर्दर फाइल के अंदर उस नाम से यूटिलाइज करना, तो मैं कहता हूँ कि इम्पोर्ट करो मैथ को एज, एज का आपको मतलब पता है कि अब एज के आगे जो मैं जो भी नाम दूंगा, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ एज माई मैथ, तो अब मुझे मैथ का मॉड्यूल अपनी पूरी फाइल के अंदर जहां भी यूटिलाइज करना है तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा, माई मैथ का मतलब अगर मुझे पाई की वैल्यू भी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, माई मैथ डॉट पाई, ठीक है जी। तो इसको भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ माय मैथ, क्योंकि अब मैं उसका नाम चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि इम्पोर्ट करो मैथ का मॉड्यूल लेकिन उसका नाम क्या होगा, माय मैथ होगा, तो माय मैथ डॉट पाई, और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे आपके पास जो पहली फर्स्ट एग्जाम्पल थी मैथ डॉट पाई की, जैसे वो चले। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैथ का जो मॉड्यूल है उसके अंदर आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑपरेशन हैं, पाई का है, स्क्वायर रूट का है, सील का है, फ्लोर का है, लॉग का है, और इसके अलावा मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। अब आपको पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है, आपको कोई स्पेसिफिक जो है ना उसकी फंक्शनलिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे स्क्वायर रूट का सिर्फ ओनली मेथड चाहिए, या मुझे सिर्फ सीलिंग का मेथड चाहिए, या मुझे सिर्फ फ्लोर करने का मेथड चाहिए, या मुझे सिर्फ मैथ के मॉड्यूल में से सिर्फ पाई की जो है ना एक्सटेंशन वो चाहिए, यानी पाई मुझे यूटिलाइज करना है, पाई की फंक्शनलिटी, इसके अलावा मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, तो उसका सिंटैक्स मैं कैसे लिखूं। उसका सिंटैक्स के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले आप लिखते हो फ्रॉम, ठीक है जी, आपने लिखा फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद आप अपने मॉड्यूल का नाम दोगे, मेरे मॉड्यूल का नाम है मैथ, मैं कहूंगा मैथ से, यानी फ्रॉम मैथ, मैं कहता हूँ कि मैथ से क्या चीज इंपोर्ट कर लो, मैं कहता हूँ मैथ से इंपोर्ट कर लो पाई, तो वो क्या करेगा कि मैथ के मॉड्यूल में सिर्फ क्या चीज लेकर आएगा, पाई को लेकर आएगा, और उसको मैं जो मुझे परफॉर्म करना है, मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि जी फ्लोर को और CSV में राइट करने का बता देते हैं। अच्छा जी, तो फ्लोर का मेथड आपको पहले भी पता है कि जब हम नंबर सिस्टम की तरफ थे तो हमने देखा था कि फ्लोर के अंदर क्या करता है कि कोई भी अगर आपका नंबर फॉर एग्जांपल 5.3 है तो फ्लोर का मेथड उसको 5 पे ले आएगा, और सील का मेथड उसको जो है
उसकी वैल्यू जो है पूरी राउंड ऑफ करके सिक्स पे ले जाएगा। इसके अंदर हमारे पास आगे एग्जाम्पल है सीलिंग के और फ्लोर की, सी के बाद मॉड्यूल के बाद, कि आप किस तरीके से किसी नंबर को सील कर सकते हैं, फ्लोर कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे चल के देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जब आपने ये वाला मेथड लिख दिया फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाई, तो अब यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है मैथ डॉट पाई, क्योंकि यहाँ से आपने क्या करा है, अगर मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल का हवाला दूं, तो यहाँ पर आपने क्या करा था कि सारे के सारे मैथ, पूरा मैथ मॉड्यूल इम्पोर्ट कर लिया था और उस मैथ मॉड्यूल में से आपने सिर्फ पाई को यूज करा था। अब यहाँ पर आपने एक्सप्लिसिटली मैथ के पूरे मॉड्यूल में से सिर्फ एक चीज इम्पोर्ट करी है पाई, तो यहाँ पर आपको मैथ डॉट पाई लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ लिखोगे पाई और आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वो चीज यूटिलाइज हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे आप हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये सील ऑफ फ्लोर का मेथड क्या है, तो हम ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो बेसिक मकसद है वो सील या फ्लोर जो है बताना नहीं है, यहाँ पर आपको जो अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो बेसिकली है कि आप मॉड्यूल्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, कि आप मॉड्यूल्स को कैसे इम्पोर्ट कर सकते हो उनसे, अगर आपको उस मॉड्यूल में बेसिकली अगर बहुत सारी चीजें हैं तो उनमें से एक आज अगर आपको अपनी जो फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हमें सिर्फ पाई चाहिए, तो आप उसको कैसे सिर्फ इम्पोर्ट कर सकते हो, तो ये तमाम चीजें हमारे पास अभी चल रही हैं। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज करता हूँ। अब हमारे पास देखें, हम वही पुरानी मैं एग्जाम्पल लूंगा फ्रॉम मैथ, सही है जी, इम्पोर्ट। अब यहाँ पर मैं इम्पोर्ट के आगे एक और चीज मैंने अभी यहाँ पे लिखी है स्टार। स्टार से आपके पास क्या होता है, स्टार से आपके पास बेसिकली जैसे यहाँ पर आपके पास मैथ के अंदर तमाम मॉड्यूल्स आ गए थे, ठीक है जी, आपको जो मॉड्यूल यूटिलाइज करना था आप लिख रहे थे पहले अपने मेन मॉड्यूल का नेम और फिर उस मॉड्यूल की जो भी आपको चीज इस्तेमाल करनी है आपने वो लिख दी, सही है। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि आपने उस मॉड्यूल की तमाम चीजें जो है इम्पोर्ट करनी है। स्टार का मतलब होता है कि जितनी भी उस मॉड्यूल के अंदर जो जो फंक्शनलिटीज परफॉर्म मतलब सपोर्ट करता है तमाम की तमाम चीजें इम्पोर्ट कर लो। अच्छा, तो आप कहेंगे कि उस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या फर्क है, अगर वो भी तमाम चीजें इम्पोर्ट कर रहा था और ये भी तमाम चीजें इम्पोर्ट कर रहा है, तो इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां पे मुझे लिखना पड़ रहा था मैथ डॉट पाई, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे मैथ डॉट पाई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा पाई, ठीक है जी। यहाँ पे मैं सिर्फ पाई लिखूंगा और वो क्या कर देगा, उसको वो प्रिंट करा देगा, सही है जी। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, तो वो यहाँ पर जो है आपके पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मैथ डॉट पाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बाय द हेल्प ऑफ स्टार ऑपरेटर, मैंने सिर्फ पाई लिखा और वो मेरी स्क्रीन पे जो है आ चुका है। अब कुछ लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन था कि भाई आप मैथ ऑफ सॉरी सील ऑफ फ्लोर का मेथड जो है यूटिलाइज करके दिखा दें कि ये मैथ के मॉड्यूल सपोर्ट करता है या नहीं करता, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि अपने पास इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैथ का पूरा मॉड्यूल और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैथ डॉट सील और मैं अपने पास एक नंबर ले लेता हूँ 5.7 और मैं इसको यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आप कि मैथ के मॉड्यूल ने सील के जो मेथड था उसको सपोर्ट कर दिया। और मैं फ्लोर भी करके दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर मेरे पास जो है फ्लोर का मेथड रन कर लेता हूँ मैं और आप देख सकते हैं इसने उसको फ्लोर कर दिया। तो फ्लोर बेसिकली क्या करता है कि राउंड करता है वैल्यू को और डिग्रेड कर देता है, यानी जैसे 5.7 थी तो वो 5 कर देगा, और सील क्या करता है वो सील कर देता है, मींस अगर आप 5.7 थी तो उसको वो राउंड करके, वो भी दोनों राउंड करते हैं लेकिन बेसिकली एक कम कर देता है और एक ज्यादा कर देता है मतलब प्रॉपर राउंड करने के लिए। तो फ्लोर ने 5.7 को 5 कर दिया और सील ने 5.7 को 6 कर दिया। तो अभी तक हमारे पास ये एग्जाम्पल थी कि किस तरीके, अच्छा मॉड्यूल्स की एग्जाम्पल हो गई। अब एक एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि अभी जैसे आप देख रहे हो कि आपके पास क्या है, एक पाइथन की फाइल खुली हुई। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने पास आता हूँ होम पे और होम पे आने के बाद मैं यहाँ पर अपने पास एक और पाइथन की फाइल जो है जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पर आया और बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ हुआ है, इसका नाम क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। मेरे पास एक फंक्शन ऐड का फंक्शन है जहाँ पर मैंने लिया ए कॉमा बी और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराता हूँ रिजल्ट का, जो क्या करेगा ए और बी को प्लस करेगा और यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ, क्या चीज़ रिटर्न करवा देता हूँ, मैं रिटर्न करवा देता हूँ रिजल्ट को। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि ये आपने ये बहुत ज़्यादा ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है, एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, इस एग्जांपल को यहाँ पर बताने का क्या मकसद है। इस एग्जांपल को यहाँ पर बताने का स्पेसिफिक मकसद ये है कि जो हमारी मॉड्यूल की क्लास चल रही है
हमारी जो मॉड्यूल की क्लास चल रही है उसका फ़ायदा ये है कि आप एक फाइल के अंदर आपने अगर फंक्शन बनाया हुआ है कोई, सही है, उस फाइल के लिए तो वो अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन जो अभी मैंने अपनी एक दूसरी फाइल के अंदर बनाया, इसको मैं अपनी किसी फर्स्ट फाइल के अंदर जो है यूटिलाइज कर लूँ, ठीक है, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक अनटाइटल्ड 4 की एक पाइथन फाइल बनी हुई है जिसके अंदर ऐड का फंक्शन है, सही है। अब मुझे ये जो है ना फंक्शन यूज करना है अपनी जो मैं जिस मेन फाइल के अंदर मैं काम कर रहा हूँ ना उसके अंदर मुझे ये इम्पोर्ट करना है, सही है जी। इसको कैसे इम्पोर्ट करूँ और कैसे यूटिलाइज करूँ, तो आइए उसका तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा अपने जो मेरे पास मेरी मेन फाइल थी। अच्छा, अभी हम काम कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। इसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप VS कोड के अंदर किस तरीके से नॉर्मल काम कर सकते हैं, या स्पाइडर के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, या इसी तरीके से वो तमाम जो आपके पास IDEs हैं जो पाइथन को सपोर्ट करते हैं उसके अंदर आप किस तरीके से जो है इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। अभी मेरे पास जो है मेरे पास एक जुपिटर नोटबुक की फाइल है जिसके अंदर मैंने पाइथन के जो मेरी दोनों फाइल्स हैं जुपिटर नोटबुक पे बनी हुई है। तो इस तरीके के मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है इंपोर्ट। मैं दोबारा इंपोर्ट लिखता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं IPNYP, सही है जी, सॉरी YNB लिखना पड़ता है। तो ये क्योंकि आपको पता है कि ये जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन है IPYNB, सही है जी। तो सबसे पहले मुझे जो है क्या लिखनी पड़ती है, ये चीज लिखनी पड़ती है। तो जब मैं ये चीज लिख लूंगा तो ये इस बात को इंश्योर करेगी कि मेरे पास जितनी भी जुपिटर नोटबुक वाली फाइल्स हैं जो पाइथन की मैंने फाइल्स बनाई हुई, ये उनमें से किसी को भी क्या कर ले, इम्पोर्ट कर ले, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज हो गई। अब क्या करना है, अब मुझे करनी है अपनी फाइल पूरी की पूरी इम्पोर्ट। क्या करनी है, मुझे अपनी फाइल इम्पोर्ट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास फाइल है उस फाइल का नाम है अनटाइटल्ड 4, और उस अनटाइटल्ड 4 के अंदर मेरे पास एक फंक्शन जो है बना हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है। मेरी फाइल का नाम है अनटाइटल्ड 4, सही है जी। तो मैंने क्या कर लिया है, अनटाइटल्ड 4 को जो है यूज कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूंगा अपनी फाइल का नाम अनटाइटल्ड 4, और जो है अब डॉट के बाद मुझे उसके अंदर से जो फंक्शन यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर फंक्शन किसका है, ऐड का फंक्शन है, मुझे यूज करना है और उसका रिजल्ट चाहिए मुझे इस फाइल के अंदर। मैंने फंक्शन तो यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, यानी पूरी फाइल इंपोर्ट कर ली। यूज करने के लिए उस फंक्शन का नाम मैंने नाम लिख दिया, और जैसे आप देख सकते हैं कि वहां पर उसको दो आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, ए और बी। तो यहाँ से मैं कोई भी दो आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, तो मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया 5 और एक दे दिया 3। इसको रन करके देखता हूँ कि क्या ये रन हो रहा है। तो आपके पास नो, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक जो है एक्सेप्शन आई है IPYNB, इम्पोर्ट IPYNB। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन इस वजह से आई है क्योंकि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ यूज़ करनी है ना, तो सबसे पहले आप ये चीज़ ज़रूर गौर से देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना होता है। आपको ये जो मॉड्यूल है, जैसे मैंने आपको बताया जो मैथ का आपके पास मॉड्यूल था या जो CSV का मॉड्यूल था, ये आपके पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स थे, ठीक है जी, यानी जो पाइथन आपको खुद प्रोवाइड करता था। आपके पास ये जो हमने जो इम्पोर्ट IPYNB मॉड्यूल लिखा है, अगर आपको ये यूज करना है तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ठीक है जी, आपको इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो इसको इंस्टॉल मैं कैसे करूँ, तो मैं आ जाता हूँ अपने होम पे। तो होम पे आने के बाद आज आप इस एग्जाम्पल के अंदर आपने शायद देखा हो कि इसके अंदर आज हमने तमाम चीज़ें यूटिलाइज कर ली हैं। हमने फोल्डर, उसके अंदर टेक्स्ट फाइल, अलग से टेक्स्ट फाइल, पाइथन के दो अलग अलग फाइल्स बना के तमाम चीज़ें देख ली हैं। आज एक आखिरी चीज़ भी कवर कर लेते हैं कि टर्मिनल। मैं आ जाता हूँ टर्मिनल पे। अब जैसे ही मैं टर्मिनल पे आता हूँ, मैं टर्मिनल पे आके मुझे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ही जूम इन हुआ हुआ है, तो हाँ, अब मैं टर्मिनल पे आ गया। ये जैसी अब टर्मिनल सपोर्ट करने में टाइम ले रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा मॉड्यूल था उसको मैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दूंगा और अब वो उसको क्या करेगा, वो इसको इम्पोर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अच्छा, मुझे सिर्फ क्योंकि मैंने वहां से पूरी कमांड कॉपी करी थी, तो इस वजह से जो है मेरे पास जो है यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई है। मुझे सिर्फ कॉपी करनी है ये चीज़।
मैं बाकी तमाम चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद सिर्फ ये जो मेरा मॉड्यूल का बेसिक नेम है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ये भी यहाँ पर आई थिंक जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए एक सेकंड मैं चेक करके बताता हूँ, बल्कि हम यहीं पे देख लेते हैं हाउ टू इम्पोर्ट, क्योंकि ये जो है आपको डायरेक्ट मिलती नहीं है। हाउ टू इम्पोर्ट जुपिटर नोटबुक फाइल, तो यहाँ पर आपको बताए जैसे स्टैक ओवरफ्लो आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या पिम इंस्टॉल होगा। हाँ पिम इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिम नहीं नहीं हमारे पास अभी क्वेश्चन आया कि ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई चीज़ आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ अपना मॉड्यूल जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरीके से इंस्टॉल होगा, आपको सिर्फ जो है वो चीज़ इंस्टॉल करनी है, अदरवाइज आपको कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी। वो एक मॉड्यूल है सेट कम डाउन हो गया अभी वाले सिर्फ के नाम से ना। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास एक कमांड है जिसका नाम है pip install import ipynb। ठीक है जी, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने टर्मिनल में जाना है, और टर्मिनल में जाने के बाद मुझे अपनी ये कमांड लिखनी है। तो ये हम आज जो आपको कोशिश करेंगे कि आपकी हम जो आज क्लास में पूरा कोड करें, ये फाइल भी आपको जो है क्लास के बाद दे दी जाए, और इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है तो वो भी आपको तमाम जो कमांड्स हैं या जो टर्मिनल पर जो आपको कमांड रन करनी है वो तमाम की तमाम कमांड आपको दे दी जाए। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और pip जो है आपका बेसिकली इस चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए, यानी जो मुझे ये जो चीज़ इंस्टॉल करनी है इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि आपके पास जो इंपोर्ट का मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो अब जब मेरे पास ये इम्पोर्ट का मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है, तो ये अच्छा एक चीज़ मैं आपको और डिफाइन कर दूँ कि ये जो हमने चीज़ ये कमांड चलाई है, ये कमांड हमने इस वजह से चलाई है, ये कमांड इस बात को इंश्योर कर रही है कि आप किसी भी दो फाइल्स के दरमियान फंक्शंस को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन जैसे ऐड का फंक्शन बना हुआ है, अब मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पर ये क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर इसको यूटिलाइज करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा था, इस चीज़ को इम्पोर्ट करा था। अच्छा ये चीज़ जब तक इम्पोर्ट नहीं हो सकती जब तक मैं वो pip वाली कमांड को क्या नहीं करूंगा, रन नहीं करूंगा। तो जैसे मैंने pip वाली कमांड को जो है रन करा है, तो अब ये चीज़ जो है मेरे पास, मुझे ये मॉड्यूल मेरे पास अवेलेबल हो गया है। तो इम्पोर्ट जब मैंने मॉड्यूल को कर लिया तो अब मैं इसको सिर्फ एट लास्ट रन करके देखूंगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास सक्सेसफुली जो है रिजल्ट रन हो चुका है। इसने मुझे पहले ये चीज़ बताई कि इम्पोर्टिंग जुपिटर नोटबुक फ्रॉम अनटाइटल्ड फोर ipynb, यानी मैंने इसने मुझे मेरी फाइल का नेम बताया कि आप किस जगह से अपनी फाइल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और देन उसने वो फंक्शन जो है रन कर दिया जो मेरे पास मेरा फंक्शन मेरी फाइल के अंदर बना हुआ था। मैं यहाँ पे क्योंकि उसको एग्जैक्टली दो आर्ग्यूमेंट मिले होंगे 5 और 3, उसने दोनों को ऐड करा और उसने आखिर में मुझे रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पर जाके हमारा जो है मॉड्यूल का टॉपिक जो है कवर होने जा रहा है। हम एक दफ़ा जो है इसको रीइनिशियलाइज कर लेते हैं या रिवाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक अपने मॉड्यूल्स के टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एग्जांपल से कि हमने अपने मॉड्यूल्स की एग्जांपल जो थी उसको कहाँ से स्टार्ट करा। तो हमने अपनी सबसे पहले तो रीड राइट ऑपरेशन, मुझे लगता है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। रीड राइट ऑपरेशन को मैंने कंबाइन करा था आपके सबसे पहले मॉड्यूल सीएसवी के साथ। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने सीएसवी वाले मॉड्यूल पे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ मॉड्यूल पाइथन आपको बिल्ट इन देता है, तो उसमें से एक सीएसवी का मॉड्यूल है कि अगर आपको सीएसवी फाइल यूज करनी है तो आपको पहले मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है। इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है कि आप जैसे हमने अभी कमांड लिखी जुपिटर नोटबुक की फाइल को यूज करने के लिए, तो आपको इसके लिए कोई कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपको कोई कमांड लिखने की जरूरत नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीएसवी का मॉड्यूल इंपोर्ट करा और अपने सीएसवी के फाइल के अंदर जितने कंटेंट थे वो पुरानी जो रीड और राइट ऑपरेशन था उससे मैंने जो है उसको रीड करवा लिया था। देन हमारे पास एक मैथ का मॉड्यूल था जो प्री डिफाइंड है आपके पास, किसके अंदर आपके
पाइथन के अंदर, तो उसके अंदर हमने आपको बताया कि आप सिर्फ किस तरीके से मैथ का मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करा, और फिर मैथ के मॉड्यूल में से जो आपको पाई का फंक्शन यूज़ करना था आपने वो चीज़ यूज़ कर ली। फिर ये चीज़ हमने कवर करी कि अगर आपको जो मॉड्यूल इंपोर्ट करना है वो किसी दूसरे नाम से इंपोर्ट करना है तो आप क्या लिखते हो, एज लिखते हो, और जब आप यूज़ करोगे तो फिर उसी नाम के साथ यूज़ करोगे जिस नाम से आपने उसको दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैथ का मॉड्यूल बहुत सारी उसके अंदर जो है ना चीज़ें, आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो आप क्या लिखते हो, आप बोलते हो कि भाई फ्रॉम मैथ, यानी मैथ के मॉड्यूल में से इंपोर्ट करो, क्या चीज़ इंपोर्ट करो, जो चीज़ आपको चाहिए। आपको पाई चाहिए था, आपने पाई यूटिलाइज कर लिया। देन अब यहाँ पर था इंपोर्ट, मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टार लिखते हो, स्टार का मतलब होता है कि तमाम मॉड्यूल्स ले आओ, फिर वही बात कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी तमाम मॉड्यूल्स आ रहे थे और नीचे भी स्टार के साथ तमाम मॉड्यूल्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मॉड्यूल्स आ रहे थे उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ रहा था, मैथ दोबारा लिखना पड़ रहा था। यहाँ पर आपको मैथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखते हो, आप सिर्फ लिखते हो मैथ, अगर आपने स्टार के साथ इंपोर्ट करा है तो आप सिर्फ जो आपको चीज यूटिलाइज करनी है, फॉर एग्जाम्पल पाई, सील, फ्लोर, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट, आप सिर्फ उसका नाम लिखते हो और वो चीज आपके पास रन हो जाती है। फिर हमने जो है फ्लोर का मेथड देख लिया, क्योंकि कुछ लोग की फरमाइश आई थी कि फ्लोर और सील का मेथड जो है रन करके दिखाएं, तो उनकी फरमाइश पर हमने यहाँ पर उसको रन कर दिया, सील और फ्लोर के मेथड को। वन मोर थिंग जो मैं रिवाइज करवाना भूल गया कि आपके पास पाइथन के अंदर कुछ एरर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट एरर्स होते हैं, जो हमें पता होना चाहिए कि पाइथन ये एरर दे सकता है। इसके अंदर हमारे पास एक एरर होता है जिसको हम कहते हैं जीरो डिविजन एरर। जीरो डिविजन एरर आपके पास वो एरर होता है जो जब अकर होता है अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हो, तो ये पाइथन आपको एरर देता है, इसको आपको कंट्रोल करना होता है। तो इसको हम कंट्रोल करते हैं ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक से। तो हम ट्राई के अंदर वो फंक्शनलिटी लिखते हैं जो हमें टेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने फंक्शनलिटी बनाई है, हमने डिवाइड कराया दो नंबर को, अगर कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा होगा तो हमने उसको एक्सेप्ट के अंदर उसकी स्टेटमेंट लिख दी कि भाई अगर जीरो से डिवाइड हो रहा हो तो ये करो, वरना एल्स के अंदर हमने बता दिया कि आंसर आप ले आओ, सही है जी। अच्छा, इसी तरीके से एक आपको फाइल के अंदर कोई रीड राइट ऑपरेशन करवाने और आपको फाइल नहीं मिल रही तो वहां पर आपके पास आता है फाइल नॉट फाउंड एरर, सही है जी। तो फाइल नॉट फाउंड एरर को भी आप हैंडल कर ले तो, टैकल कर ले तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई एक्सेप्ट के ब्लॉक के जरिए, और वहां उस एरर का जो नाम होता है वो होता है फाइल नॉट फाउंड एरर। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो हमारी मेन दो से तीन चीजें थी जिसके अंदर हमें रीड राइट ऑपरेशन देखने थे, सीएसवी फाइल देखनी थी, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना देखना था कि कौन से मॉड्यूल बिल्ट इन होते हैं, कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो तमाम चीजें अब हमारे पास यहाँ पर कवर हो चुकी है। अब हम जिस चीज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं वो आज की क्लास मेरे हिसाब से वो अब जो हमारी मेन पाइथन थी वो बेसिकली कवर हो चुकी है। अब जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं नंपाय। सर ने इस क्लास के स्टार्टिंग में आप लोग को बताया कि नंपाय हम क्यों बेसिकली यूज करते हैं। नंपाय यूज हम इस वजह से करते हैं कि नंपाय आपको फंक्शनैलिटी देता है मल्टी डायमेंशनल अरे बनाने की। सिर्फ मल्टी डायमेंशनल अरे बनाने की फंक्शनैलिटी वो आपको नहीं देता, बल्कि इसके अलावा जो आपके पास दो मैं पैकेजेस का नाम लूंगा, एक है हमारे पास नंपाय और एक होता है पांडास। ये बेसिकली बहुत ज्यादा फंडामेंटल और जो है इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि ये इस चीज को इंश्योर करते हैं कि ये आपको मल्टी डायमेंशनल आपका डाटा स्टोर करते हैं, आपके पास ये आपका जो आगे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिसके अंदर आपके पास लीनियर अलजेब्रा आ जाती है, कंप्यूटेशनल काउंटिंग आ जाती, कंप्यूटिंग आ जाती है, तो ये तमाम की तमाम आपके पास जो चीज़ें परफॉर्म हो रही जहाँ पर आपके पास बहुत ह्यूज कैलकुलेशन होती है, तो वहाँ पर आप उसको नॉर्मल पाइथन की लिस्ट से या टपल्स वगैरह जो होते हैं उससे आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क या दो, एक से ज़्यादा फ्रेमवर्क जिसका नाम नंपाय और पांडास है, इसको आपको यूटिलाइज करना पड़ता है। अच्छा, आप इसको यूटिलाइज तो कर लेते हैं, इसके अलावा क्या होता है, हम अगर मैं आपको एक बात ये बोलूं कि आपको दो अरेज के जो इंडेक्सेस हैं उनको प्लस करना है, यानी आपके पास दो अरे हैं और हर अरे पे जो नंबर है उसको उसके इंडेक्स से प्लस करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक अरे है 1 2 3, सेकंड अरे है 4 5 6। अब मैं आपको कहता हूँ कि दोनों अरे, अच्छा मैं ये इंट्रोडक्शन कर लूँ, खत्म कर लूँ तो उसके बाद मैं रिपीट करता हूँ। तो अब अगर आपको दो अरे के इंडेक्सेस को प्लस करना है या उनके एलिमेंट्स को प्लस करना है तो आप क्या करोगे, अब आपको फॉर का लूप यूटिलाइज करना है जरूर नॉर्मल पाइथन के अंदर, जबकि अगर आप नंपाय यूज कर रहे हो तो आप ये ऑपरेशन अभी हम आगे करके बताएंगे बाय द हेल्प ऑफ प्लस साइन आप दो अरेज को क्या कर लेते हो, प्लस कर लेते हो। आप बड़े से बड़ा कोई भी ऑपरेशन बाय द यूज ऑफ नंपाय, अपनी कितनी भी बड़ी अरे हो, मल्टी डायमेंशनल हो, सिंगल डायमेंशनल हो, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आपको बताया कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर
और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के अंदर तमाम जगह पे आपको जो है फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि टर्मिनल को कैसे एक्सेस किया जाए, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास एक मॉड्यूल है pip install import ipynb, अगर अभी नहीं दिखता तो आपको क्लास के आखिर में एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जहाँ पे ये इंस्टॉल करने का आपको बता दिया जाएगा। आपको एक कमांड कॉपी करनी है और होम पे आप आएंगे। होम पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक टर्मिनल का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है जी। आप इस टर्मिनल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस जगह एक ऐसे इंटरफेस पे ले आएगा। ऐसे इंटरफेस पे लाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करनी है अपनी कमांड को। तो जैसे आप अपनी कमांड को पेस्ट करेंगे तो ये आपको वो मॉड्यूल इम्पोर्ट करके ला देगा। और मॉड्यूल इम्पोर्ट करने के बाद जब आप मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेंगे तो मॉड्यूल इम्पोर्ट करने के बाद क्या होगा, आप जो है क्या कर सकते हो, किसी दूसरी जुपिटर की फाइल को आप अपनी पहली जुपिटर फाइल के अंदर इम्पोर्ट करा के यूज कर सकते हैं उसके किसी भी फंक्शन को। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं आज की क्लास में या जो हमारी पिछली लास्ट दो क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हमने क्लासेस को कवर करा। तो ये आपके पास लाइव क्लास है, जब ये एंड हो जाती है तो आप उन चीज़ों को दोबारा रिमाइंड करके या पॉज करके उन चीज़ों को अगर आप दोबारा सुनने की कोशिश करें, जो मे बी पॉसिबल अगर आपको लाइव क्लास में उस तरीके से समझ में नहीं आ रही होती, तो आई एम डैम श्योर कि अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा रिमाइंड करके उन चीज़ों को दोबारा बार बार उन चीज़ों को सुने और साथ साथ आप कोडिंग देखते रहें, क्योंकि लाइव क्लास में तो आप रिमाइंड या फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो वो डेफिनेटली चीज़ें आपको उससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स के आपके पास एक से ज्यादा एरे हैं, तो अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा जो मैंने पहली बात कही कि अगर आपको कोई लाइव क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस जो हमारे पास पड़ी हुई अभी तक ग्रुप में, तो आप उसको रिमाइंड फॉरवर्ड करके क्या कर सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने NumPy की तरफ, देखते हैं जी कि NumPy जो है किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आ जाता हूं मैं अपनी मेन फाइल के ऊपर जो Untitled 3 है। अच्छा जी, अब NumPy भी आपके पास क्या है, एक मॉड्यूल है, बिल्ट इन मॉड्यूल है। तो NumPy को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और NumPy को मैं बार बार जो है NumPy नहीं लिखूंगा, मैं इसको NP यानी जहाँ भी यूज करूंगा NP से यूज करूंगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर आने के बाद अब मुझे क्या यूज करना है, NumPy यूज करना है, तो NP से मैंने जो है इनिशियलाइज करवा दिया है। अब आपके पास पाइथन के अंदर अगर आपको याद हो कि अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करने होते थे तो आप रैंडम लिखते थे, तो यहाँ पर भी हम रैंडम लिख लेते ना, मुझे रैंडम नंबर जनरेट करने, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर मुझे NumPy के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करने पड़ते हैं ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंड एन, सही है जी, यानी रैंडम बी डॉट रैंड एन, सही है जी। तो फिर मुझे वो क्या करता है कि मुझे वो रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। अब मैं यहाँ पे जो चीज लिखने जा रहा हूँ ये चीज आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा 2.3। अच्छा, अब ये 2.3 क्या है, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, फिर आपको जो है ये चीज जो है आसानी से जो है समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा जी प्रिंट डाटा, ठीक है। अब प्रिंट डाटा को मैं जो है क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो प्रिंट डाटा को मैंने रन करा, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है क्या है, दो अरे आ चुकी। ये दो अरे कैसे जनरेट हुई, इसके अंदर नंबर कैसे आए, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जैसे जो मैंने आपको बताया रैंडम डॉट रैंड एन, ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, सही है जी। तो रैंडम नंबर तो आपके पास जनरेट होगा। अब ये 2.3 ये क्या चीज़ है, 2 का मतलब ये है कि आपको दो अरेज चाहिए, ठीक है जी, आपको क्या चाहिए, दो अरेज चाहिए। तो आपके पास पहली अरे ये आ गई, सेकेंड अरे आपके पास ये आ गई, और 3 का मतलब ये है कि आपको हर अरे के अंदर 3 रैंडम नंबर चाहिए, यानी 2 मीन्स आपको 2 अरेज चाहिए और 3 मीन्स आपको हर अरे के अंदर 3 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एनपी numpy डॉट रैंडम डॉट रैंडम, तो ये तो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और फिर मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है 2.3। 2.3 के अंदर क्या है कि मैंने बताया कि भाई 2 अरे जनरेट कर दो, 3 मीन्स हर अरे के अंदर 3 रैंडम नंबर होने चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। अब
यहाँ पे इसी एग्जाम इस एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल जो है ना आपके पास रन होने जा रही है. अच्छा, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्पल रन होने जा रही है, इस वजह से मुझे हर चीज़ के लिए मुझे न्यू लाइन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो चीज़ आप लोग को आसानी समझ में आए. अब मैं यहाँ पर एक चीज़ प्रिंट करने जा रहा हूँ. मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा प्लस डेटा. मैं चाहता हूँ मेरे पास जो अभी जो डेटा के अंदर जो चीज़ जनरेट हुई है वही चीज़ दोबारा उसके अंदर ऐड हो जाए और फिर मुझे रिजल्ट शो. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से सिर्फ प्लस का ऑपरेटर यूज़ करा है और अपनी दो अरेज को उन दोनों के अंदर प्लस करवा दिया. रिजल्ट देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमें. यहाँ पर आप देख लें, अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप अभी करके देख सकते हैं, आपके पास रिजल्ट जो है सेम आ रहा होगा. तो इसने बेसिकली करा क्या है कि इस नंबर को इसके साथ दोबारा प्लस कर दिया है, इसको दोबारा प्लस कर दिया है, इसको फिर दोबारा प्लस कर दिया है, और आपके पास इस तरीके से इसने पूरी की पूरी इन दोनों अरेज को बार बार, मतलब आपने जो ऑपरेशन लिखा डेटा प्लस डेटा, तो उसने उसी अरेज को प्लस कर दिया है दोनों दफा. सही है जी. अच्छा जी, यानी इसने डेटा की जो आपने वेरिएबल था उसके ऊपर फंक्शनलिटी परफॉर्म कर दी कि उसको दोबारा उसके अंदर प्लस कर दिया. अच्छा, अब दोबारा क्योंकि मुझे इसके अंदर इसी ये जो एग्जाम्पल अभी हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसी वजह से मैं इसी एग्जाम्पल के अंदर आपको डिफरेंट जो है ना चीज़ें परफॉर्म करके दिखाऊंगा. अब मैं आ जाता हूँ, एक और चीज़ प्रिंट करवाता हूँ. मैं कहता हूँ भाई प्रिंट करो, और क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो डेटा, और डेटा को डेटा के अंदर क्या कर दो, इस पूरी डेटा के अंदर जितने नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो 10 से. ठीक है जी, यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं. तो अब मेरे पास जो भी नंबर है मेरे पास इन दोनों अरेज के अंदर, वो हर नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो चुका है. यानी आप बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अब आपके पास अरे एक से ज़्यादा है, नंबर उसके अंदर एक से ज़्यादा है, आपके पास किस तरीके से आसानी से ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है नंबर, यानी वो अरेज को आपस में जो है ऐड करा रहा है, मल्टीप्लीकेशन हर इंडेक्स पे जाके वो खुद कर रहा है, हमें कोई एडिशनल फंक्शनलिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरीके से अब आगे एक और चीज़ दिखा, एक और चीज़ हम यूटिलाइज करेंगे. अच्छा, अब नंपाई के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पर एक कमांड लिखने जा रहा हूँ, प्रिंट करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो एग्जाम्पल आएंगे अगर मैं प्रिंट नहीं करूँगा तो फिर वो जो है मसला करेंगी. यहाँ पर मेरे पास एक मेथड है डाटा डॉट शेप का. ठीक है जी, डाटा डॉट शेप का जो मेथड है वो मुझे देखें क्या बताता है. वो मुझे ये बताता है कि आपके पास कितनी अरेज हैं, ठीक है जी, और उसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं. यानी आप उसने बता दिया कि आपके पास दो अरे मौजूद हैं और हर अरे के अंदर आपके पास थ्री एलिमेंट हर अरे के अंदर मौजूद हैं. तो ये आपके पास हो गया शेप का मेथड. सही है जी, और शेप के मेथड के बाद मैं आ जाता हूँ, इसी मेथड को कॉपी कर लेता हूँ. शेप के बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पर. अब मेरे पास है एक मेथड है डी टाइप का. डी टाइप आपके पास होती है डेटा टाइप, ठीक है जी. तो वो आपको आपके जो है क्या करता है, वो आपको आपके डेटा की टाइप भी बता देता है कि आपके डेटा की टाइप क्या है. तो यहाँ पर उसने देख लीजिए आप कि आपको बता दिया कि आपका जो डेटा है वो किस डेटा टाइप का है. उसने आपको बता दिया कि आपका जो डेटा है वो आपके पास फ्लोट डेटा आपके पास मौजूद है. इसी तरीके से आपके पास एक और नंपाई का जो है आपको ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. वो आपके पास ऑपरेशन है एंड डिम का. डिम मीन्स डायमेंशन. वो आपको ये बताएगा कि आपके पास जो आपने नंपाई के जरिए जो रैंडम नंबर और अरे जनरेट करी है उसकी डायमेंशन क्या है. ठीक है जी, तो हमारे केस में हमारी डायमेंशन 2 है क्योंकि हमारे पास दो अरे जनरेट हो रही हैं. तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास 2 आना चाहिए. तो आप उसने एग्जैक्टली मुझे वही चीज़ दिखाई कि आपके पास क्या है कि आपके पास आपकी जो डायमेंशन है नंपाई की अरे की वो 2 है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक ये और दूसरी ये अरे क्या हो रही है, जनरेट हो रही है. इसी तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं. अब आपके पास नंबर आपको एक फंक्शनलिटी देता है कि आप क्या कर सकते हो, आप 0 की अरे भी जनरेट कर सकते हो. किस तरीके से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नंपाई, क्योंकि अब जहाँ भी मुझे यूज़ करना है मुझे एनपी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं नंपाई को एनपी के जरिए क्या कर चुका हूँ, इनिशियलाइज करा चुका हूँ. मैंने कहा नंपाई डॉट जीरोस, मैं चाहता हूँ मुझे क्या चाहिए, 0 की एक पूरी अरे चाहिए. तो मैंने लिखा नंपाई डॉट जीरोस, आगे नंबर बताऊंगा नंबर कितने जीरोस चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इंस्टेंस 10 और इसको रन करता हूँ. तो मुझे उसने एक एरे बना के दे दी जिसके अंदर मेरे पास जीरोस जो है क्या है मौजूद है. अच्छा, ये तो एक नॉर्मल सी एग्जांपल थी नंपाई डॉट जीरोस और आगे नंबर बता दिया, तो उतने वो जीरोस मुझे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं. इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और अब थोड़ी सी इसके अंदर एडिशन करूँगा.
यहाँ से सबसे पहले इस चीज़ को हटा देता हूँ। फ्लोट 64 बता दें, ये तो तमाम के तमाम डेटा टाइप्स हैं आपके पास, इंटीजर है, फ्लोट है, साइंड अनसाइंड, ये आप पहले भी आई थिंक कवर कर चुके हैं कि आपके पास स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये तमाम। और अगर नहीं है तो क्लास के आखिर में आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा जिसके अंदर तमाम डेटा टाइप्स लिखी हुई होंगी, तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्लोट आपको पता है किसको कहते हैं, जिसके आगे पॉइंट लगा हुआ होता है, तो ये तमाम चीज़ें हम जो डॉक्यूमेंट है उसके ज़रिए आपको और अच्छी तरीके से इनिशियलाइज हो जाएंगी। अच्छा सिर्फ 64 के आइए वो बता देंगे क्लास में। अच्छा जी, नंपर डॉट जीरो, अब जैसे मैंने ऊपर रैंडम नंबर जनरेट करा उसकी डायमेंशन बताएं, अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास ये अभी क्या है, एक सिंगल अरे है, अब मुझे जीरो की भी अरे चाहिए और वो मल्टी डायमेंशनल चाहिए, जैसे मेरे पास ऊपर थी ना डायमेंशन के दो अरेज थी, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा नंपर डॉट जीरो, मुझे क्या चाहिए, तीन अरे चाहिए और हर अरे के अंदर छः जीरोज हों, ठीक है जी, क्या चीज़, मुझे तीन अरे चाहिए और हर अरे के अंदर जो है छः एलिमेंट हो, और छः एलिमेंट जाहिर सी बात है आपको पता है कि वो छः एलिमेंट कौन से होंगे, वो छः एलिमेंट जीरो होंगे। रन करके देख लेते हैं, रन करा आपके सामने कि तीन एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के अंदर आपके पास कितने जीरोज हैं, छः जीरोज हैं, ठीक है जी। इसकी एक और एडवांस एग्जाम्पल, इसी को कॉपी करता हूँ, गौर से देखिएगा, कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3, 6, ठीक है जी। अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, मैं इसको रन कर लेता हूँ, इसको मैंने रन करा तो अब यहाँ पर जो मेरे पास एग्जाम्पल आई है, इस एग्जाम्पल को हम कंपेयर करेंगे अपनी इस एग्जाम्पल से। मैंने पहले सिर्फ लिखा था 3, 6, तो उसने क्या करा था, मुझे 1, 2 और 3 अरे जनरेट करके दे दी थी, इस वाली एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, और हर अरे के अंदर 6 जीरोस मौजूद थे। अब मैंने सबसे पहले उसको बताया 2, तो उसने क्या करा, 1 ये 1 ये हो गया और आपके पास 2 ये हो गया, क्लियर। देन मैंने उसको कहा कि ये जो आपने मेन डायमेंशंस बनाई हैं, इस हर मेन डायमेंशन के अंदर मुझे 3 अरे और चाहिए, तो उसने ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट वाले की हो गई और सेकंड वाले के लिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 अरे इसकी हो गई, यानी दोनों की 3-3 अरे हो गई। पहले उसने 2 मेन अरे बनाए, ठीक है, हर मेन अरे के अंदर उसने 3 सब अरेज बनाए और हर सब अरे के अंदर उसने 6-6 एलिमेंट रख दिया, वो कौन से एलिमेंट है, वो मेरे पास 0 एलिमेंट है। तो ये आपके पास था बेसिकली कि जब आपको एक सिंगल अरे जनरेट करनी हो तो वो हमने यहाँ से करके देख लिया, मल्टी डायमेंशनल, और फिर अगर आपको विद इन द अरे करनी हो, यानी आपके पास एक मेन हो फिर उसके पास सब अरे हो और सब अरे के अंदर आपके पास एलिमेंट हो, तो आप उसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जीरो की तरह हमारे पास नंपाई के अंदर एक मॉड्यूल होता है या एक मैं कहूँगा मेथड होता है जो होता है एमटी का, उसको यूज करके देखते हैं कि नंपाई के अंदर जो एमटी का मेथड होता है वो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट लिखा मैंने कहा np.empty लिखा मैंने, और empty लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर उसी तरीके से बता दूंगा कि भाई इसको क्या कर दो कि 3 अरे हो और उसका हर किसी के अंदर कितने एलिमेंट हो, 6 एलिमेंट हो। रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट np.datatype.not_empty प्रोसेस के अंदर इंडेंटेशन का इशू रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाली एग्जांपल है, तो सबसे अच्छा मैं इसके लिए काम कर लेता हूँ कि इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, सही है। ब्रैकेट्स का लाजमी तौर पे ध्यान रखना होता है क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट्स वगैरह जो है ना मल्टीपल ब्रैकेट्स लग रहे होते हैं तो कभी कभार जो है ना गलती हो जाती है। तो यहाँ पे देख ले मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज एम्प्टी एग्जांपल। तो अब यहाँ पर मेरे पास उसने क्या करा है कि एम्प्टी के अंदर मैंने कहा कि भाई 3 अरे चाहिए और हर अरे के अंदर 6 एलिमेंट हो, अच्छा जो 6 एलिमेंट है वो भी मेरे पास 0 है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई तो 0 में और एम्प्टी के अंदर दोनों के अंदर क्या फर्क है। तो जीरो और एम्प्टी के अंदर बेसिक फर्क यह है कि एम्प्टी जो है आपको हर बार
मतलब बेसिकली 80-90% वो आपको, अगर आप जब भी एम टी यूज़ करोगे वो आपको जीरो ही देगा। लेकिन बाज़ अवकात क्या होता है कि वो आपको एक मतलब एक टर्म यूज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नीड जीरो की है, आप चाहते हो कि आपकी तमाम अरे के हर एलिमेंट पे जीरो, तो आप जीरो ही यूज़ करोगे, एम टी कभी भी यूज़ नहीं करोगे। एम टी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम तो जीरो ही ला के देता है, लेकिन कभी कभार जिन लोग का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो उनको पता होगा गार्बेज वैल्यू क्या होती है, और अगर जिनको नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि आपके पास हर प्रोग्रामिंग के अंदर एक गार्बेज वैल्यू होती है। तो एम टी जो है वो क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जीरो ही ला के देता है, लेकिन कभी कभार क्या होगा कि वो आपको जीरो नहीं ला के देगा, बल्कि किसी भी एलिमेंट की जगह वो कोई भी गार्बेज वैल्यू, वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, हमें भी नहीं पता होती, तो वो उसको उसके अंदर पुट कर देता है। तो हमें यूटिलाइज करना होता है कि अगर हमें जीरो चाहिए तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हम जीरो वाली फंक्शनलिटी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये बात कवर होती है कि भाई हमने जो है जीरो और एम्प्टी को भी क्या कर लिया, चेक कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ ARR का, ARR मीन्स अरे। अब NumPy के अंदर अगर आपको कोई अरे बनानी है, यानी पहले तो आपने देख लिया ना कि आप क्या कर रहे थे कि आपने रैंडम नंबर के जरिए जो है अरे को जो है जनरेट कर लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि रैंडम नंबर के जरिए अरे जनरेट नहीं हो, मैं एक खुद अपनी अरे या लिस्ट जो है दे रहा हूँ और उसको वो NumPy की फंक्शनलिटी वो यूटिलाइज कर सके, ठीक है जी। यानी मुझे एक नॉर्मल अरे को NumPy की अरे बनाना, ठीक है। उसको किस तरीके से, एक नॉर्मल पाइथन की अरे को NumPy की अरे कैसे बनाऊँ, तो मुझे लिखना पड़ता है np.array लिख दिया मैंने, राउंड ब्रैकेट प्लेस करूंगा और यहां पर अब मुझे कुछ जो भी मैं अरे दूंगा वो NumPy की अरे बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे देता हूं 1, 2, 3, 4 और 5, तो मेरे पास एक ये नॉर्मल अरे है और अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, NumPy के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये तमाम की तमाम NumPy वाली फंक्शनलिटी जो है ये यूटिलाइज कर सकती है। तो ये तो एक थी नॉर्मल सी बात। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास जो अरे है वो अरे है आपके पास किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। मैं चाहता हूं कि ये अरे कन्वर्ट, ओबीएस जो है रिकनेक्ट हो चुका है, लेकिन आप लोग मुझे ये चीज इंश्योर करो कि क्लास लाइव जा रही है नहीं जा रही। ओबीएस तो कनेक्ट हो गया है यहाँ से, ओबीएस कनेक्ट हो गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कनेक्ट हो गया दोबारा से, अब बताना ऐसा ना कि चल यार मेरे पास तो, बट ये मेरे ख्याल से अगर ये ना वीडियो दोबारा स्टार्ट करूंगा तो हमारी वीडियो थोड़ी गई है। अच्छा जी, तो अब मेरे पास ये जो वैल्यूज थी वो थी मेरे पास इंटीजर के अंदर। नंबर आपको फंक्शनलिटी देता है कि आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी आपको डाटा टाइप रखनी है आप वो रख दें। इसके लिए जो सिंटैक्स यूज करते हैं NumPy वो करता है एस टाइप। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस टाइप और अब मुझे जो भी डाटा टाइप देनी है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। मुझे लिखना है NumPy क्योंकि NumPy की डाटा टाइप है वो, मैंने यहाँ पे लिखा है np डॉट, मुझे इसको कन्वर्ट करना था फ्लोट के अंदर तो मैंने लिख दिया फ्लोट 64। बहुत सारे लोगों का सवाल है फ्लोट 64 और int 64 क्या है, तो ये आपको मैं लास्ट में इस क्लास के डॉक्यूमेंट दे दिया गया, इसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि int 64 क्यों यूज़ हो रहा है फ्लोट 64। जैसे आप पहले सिर्फ फ्लोट लिखते थे और int आपको बता दिया जाता था स्ट्रिंग 64 और इसके अलावा एक और चीज़ होती है 32 और 16, इन सब में क्या डिफरेंस है तो ये आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा भाई इसको कन्वर्ट कर दो फ्लोट के अंदर। तो अब मैं इसको जब प्रिंट करूंगा तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। यानी मैंने एक इंट एरे को, यानी इंटीजर जो था उसको मैंने कहा है कि भाई उसकी आप टाइप कौन सी कर दें, उसकी आप टाइप कर दें फ्लोर 64। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास हर एलिमेंट के बाद क्या आ चुका है, डॉट आ चुका है। इट मीन्स कि उसने एक इंटीजर अरे को किस में चेंज कर दिया है, फ्लोर में चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं अपने पास, हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास एग्जाम्पल है
इस एग्जाम्पल के बाद वो हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हमने एक नंपाई डॉट जीरो की कर ली, ये तमाम एग्जाम्पल कर ली। अब जो वहाँ पर एग्जाम्पल आ रही है बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरीके से, जिसके अंदर जैसे इसके अंदर हमने मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो इस वाली एग्जाम्पल के अंदर भी हम क्या करेंगे, नंपाई पे बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं एक अरे बना लेता हूँ, उस अरे को मैं कहता हूँ एन पी डॉट अरे, और उस अरे के अंदर मैं एक अरे बना लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ जी 4 2 6 8। अच्छा, आप अरे बनाते हुए क्या कर सकते हो कि आप उसकी खुद डेटा टाइप इनिशियलाइज भी करा सकते हो, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 4 2.5 6 और 8.2, और मैं आगे अगर डेटा टाइप डिफाइन कर दूंगा ना, तो फिर वो तमाम की तमाम चीज़ों को उसी डेटा टाइप के मुताबिक लेगा जो मैंने उसको आगे डेटा टाइप लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक अरे है, तो मैं आगे जाऊंगा और मैं उसकी डेटा टाइप बता दूंगा। मैंने कहा जी इस अरे की जो डेटा टाइप है वो मुझे कौन सी रखनी है, उस इस अरे की मुझे डेटा टाइप रखनी है इंटीजर 64 यानी नॉर्मल। अगर अभी मैं आपसे कहूँ तो हमें इंटीजर डेटा टाइप रखनी है, ठीक है जी। अब ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी अरे पे मल्टीपल ऑपरेशन, बहुत सारे हमारे पास नंपाई ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है अपनी अरे पे, हम बहुत सारे ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करके देखेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर। आ जाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ जी प्रिंट, और उस प्रिंट के अंदर मैं क्या करवा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस अरे को क्या कर दो, इस अरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सो ये सिलेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बार बार हम जो है न्यू लाइन के अंदर जो चीज़ें करते रहेंगे। अब इस अरे के अंदर क्या होगा, इस हर अरे का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर अरे का एलिमेंट क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। कॉपी करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। अब मैंने कहा जी बिल्कुल उसी तरीके से, मैंने कहा जी अरे को मल्टीप्लाई कर दो अरे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरे का हर एलिमेंट अपने एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 16, 2 2 4, 6 6 36, 8 8 64, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास होता है कि मुझे फॉर एग्जांपल अपनी अरे को किसी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई 2 से डिवाइड कर दो मेरी इंटायर अरे को। तो मैं अपनी इंटायर अरे को क्या कर दूंगा कि अपनी उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा अपनी इंटायर अरे को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, सही है जी। अच्छा जी, अब इसको जो है आ जाते हैं नीचे, कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया स्पेसिफिक नंबर के साथ, अरे को अरे से मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये आपके पास ऑपरेटर होता है पावर का, यानी अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर पावर लगानी है तो आप डबल स्टेरिक यूज करते हो किसी चीज़ को पावर देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि उसको पावर दे दी 2 की, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब मैंने उसको 2 की पावर दी, तो आप देख सकते हैं कि जो जिस एलिमेंट पर 2 की पावर अप्लाई होती रहेगी, तो वो एलिमेंट आपके पास यहाँ पर आ रहा है 16 4 36 और 64, ये पावर अप्लाई हो गई आपके पास 2 की, सही है। देन आपके पास इसी तरीके से आपके पास जो है एक फंक्शन है स्क्वायर रूट का, कि अगर आपको अपनी अरे को स्क्वायर रूट करना है तो आप वो किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है ना सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है नंपाई, नंपाई के बाद आपको लिखना पड़ता है एसक्यूआरटी, और एसक्यूआरटी के अंदर आपको यानी स्क्वायर रूट के अंदर आपको बताना है कि आप किस चीज़ का स्क्वायर रूट कर रहे हो। तो हम कर रहे हैं किसका स्क्वायर रूट, अरे का स्क्वायर रूट। तो वो हर अरे के एलिमेंट पे जाएगा और उसको स्क्वायर रूट कर देगा। तो यहाँ पर उसने हर अरे के एलिमेंट को 4 को 2 को 6 को 8 को सबका उसने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए भी हमें क्या लिखना ज़रूरी है, हम लिखेंगे np.exp, क्योंकि एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। हम चाहते हैं अरे के हर एलिमेंट पे एक्सपोनेंट की वैल्यू अप्लाई हो जाए। आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंट की वैल्यू होती क्या है। तो अरे की हर एलिमेंट को उसने क्या कर दिया, एक्सपोनेंट उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो अरे की हर एलिमेंट पे जब एक्सपोनेंट अप्लाई हुआ तो उसकी वैल्यू फिर चेंज हो गई। देन अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अब क्या करना है, मुझे अपनी पूरी अरे का, ये मेरे पास पूरी अरे है, इसके ऊपर मैं स्टैटिस्टिक्स के जो ऑपरेशन होते हैं ना वो भी परफॉर्म करवा सकता हूँ। स्टैटिस्टिक्स का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवा सकता हूँ, अभी हम करके देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके पास 2-3 मेन ऑपरेशन होते हैं, एक होते हैं मीन का, एक होता है सम का, एक होता है कम सम का। तो तमाम ऑपरेशन मैं अपनी अरे पे परफॉर्म करवा सकता हूँ, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी एनपी क्या कर दो, मीन निकाल लो। क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। किसका मीन निकाल लो, अरे का मीन निकाल लो। तो अरे का मीन निकाल लिया, आपके पास मीन आ चुका, ठीक है जी।
मीन के बाद मैं इस एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ, मैं कहता हूँ जी सम निकाल लो, तो वो मेरे पास पूरी मुझे अरे का सम दे देगा। ठीक है जी, ये आपके पास 20 जो है ये आपके पास सम आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से जो कम सम होता है, अच्छा कम सम के अंदर क्या होता है, कम सम आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो इस एलिमेंट को प्लस करेगी। जब इसकी बारी आएगी, फॉर एग्जाम्पल 4 2 की बारी आती है, तो 4 को 2 के साथ प्लस कर देगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। जब 6 की बारी आएगी तो 4 और 2 का जो रिजल्ट था वो 6 के साथ प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। जब 8 की बारी आएगी तो क्या करेगा कि 4 2 और 6 को प्लस कर देगा 8 के साथ, तो 8 जो लास्ट एलिमेंट है उसके बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी 20। यानी वो ट्रेलिंग जितनी भी वैल्यूज होगी उसको नेक्स्ट वैल्यू के अंदर क्या करता रहेगा, प्लस करता रहेगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं कम सम। तो ये कम सम का मेथड यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आ गया, देन 4 के अंदर जब 2 प्लस हुआ होगा तो 6 आ गया, फिर 4 और 6 प्लस होगा तो आपके पास 12 आ गया, देन आपके पास जब 12 8 के साथ प्लस हुआ तो आपके पास 20 आ गया। अच्छा जी, ये बात तो हो गई। लास्ट चीज़ है आपके पास कि मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है ना, 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, ये अरे मेरे पास सॉर्ट नहीं हुई भी। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा ऑपरेशन हो जिससे मेरे पास मेरी पूरी नंपाई की अरे क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। तो बहुत आसान सा ऑपरेशन है, सॉर्ट करके भी दिखा देते हैं आपको। तो यहां पर आता हूं, मैं लिखता हूं np.sort, तो यहां पे सॉर्ट लिखा मैंने, अरे को सॉर्ट कर लेते हैं। तो अब मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए 2 4 6 and 8। यहां पर आप देख सकते हैं कि अरे सॉर्ट हो गए, 2 4 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया। अब बूलियन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कितने ऑपरेशन, तो भाई नंपाई पे ये एक एग्जाम्पल जो है इसके अंदर वो तमाम ऑपरेशन है जो आप नंपाई की अरे पे जो है क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो अब एक बूलियन ऑपरेशन होता है, तो हम बूलियन ऑपरेशन भी क्या कर सकते हैं, अपनी नंपाई की अरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। सही है जी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक अरे एक और बना लेता हूँ अरे टू के नाम से ना। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा जी मेरे पास एक अरे होगी अरे टू, नंपाई की ही अरे होगी। सही है, और नंपाई की वो अरे होगी, उसके एलिमेंट आप रख लो 0 1 3 और 5। सही है जी। तो ये मेरे पास एक नंपाई की अरे हो गई। अब मुझे चेक करना है कि मेरे अरे 1 के एलिमेंट क्या अरे 2 के एलिमेंट से बड़े हैं, तो मैं ग्रेटर देन का साइन लगा के चेक कर सकता हूँ। मुझे ये चीज चेक करनी है कि अरे 1 के एलिमेंट अरे 2 से छोटे हैं, तो लेस देन का साइन लगा के चेक कर सकता हूँ। यानी आप दोनों अरे के अंदर By using a single greater than or less than sign, आप अरे के हर एलिमेंट को चेक कर सकते हो। कैसे, आइए चेक करके देख लेते हैं। मैंने कहा जी प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट करें, ये देखें कि जो अरे है वो क्या बड़ी है अरे 2 से। इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो काफी शॉकिंग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास उसने ट्रू 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 प्रिंट करा है। क्यों, क्योंकि उसने देखा जो आपके पास अरे है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या है, 4 2 6 और 8, और जो अरे 2 है वो क्या है, 0 1 2 3 और 5। सही है। अब उसने हर एलिमेंट को कंपेयर करा, उसने 4 को कंपेयर करा 0 से, तो 4 0 से ग्रेटर था, तो उसने मुझे एलिमेंट के अंदर क्या ला के दे दिया, ट्रू दे दिया। फिर उसने कंपेयर करा 2 को किससे, 1 से, ग्रेटर है 2, अगेन मुझे ट्रू मिला वहाँ पे। 6 को कंपेयर करा 3 से, ग्रेटर है, उसने ट्रू दिया। 8 को कंपेयर करा 5 से, अगेन ग्रेटर है, तो उसने मुझे क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। तो तमाम की तमाम आपने अरेज पे क्या करी, दो अरे पे आपने एक नॉर्मल ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाया, और आपने ये चीज बता दी कि कौन सी अरे में कौन सा एलिमेंट ग्रेटर है लेस है, और वो इन टर्म्स ऑफ बूलियन मींस आपको ट्रू या फॉल्स वो आपको आंसर दे देगा कि आपका कौन सा एलिमेंट ट्रू है और फॉल्स है जो आपने साइन लगाया हो ग्रेटर देन या लेस देन का। प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है जी। अब अगर आपको याद हो आपके पास जो है नंपाई के नंपाई बोल लो सॉरी आपके पास नॉर्मल पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता था रेंज का, जिसके जरिए आप क्या करते थे, कोई भी रेंज आप बता देते थे तो उस रेंज के नंबर क्या हो जाते थे, जनरेट हो जाते थे। नंपाई के अंदर जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि रैंडम नंबर अगर जनरेट करने हैं तो रैंडम के साथ आपको क्या लिखना है, random.random। अगर आपको रेंज वाला मेथड यूटिलाइज करना है ना नंपाई के अंदर, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है अरेंज। सही है, यहाँ पे आपको अरेंज बोलने या अरेंज बोलने, तो यहाँ पे आपको वो चीज यूटिलाइज करनी होती है। किस तरीके से, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा देता हूँ अरे का। अरे का वेरिएबल इनिशियलाइज कराने के बाद मैं लिखता हूँ numpy.arrange, यानी रेंज वही है
सही है, उससे पहले ए लगा दिया आपने, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10, 10, वही मतलब जो रेंज जिस तरीके से यूज़ होती थी बिल्कुल वैसी यूज़ होगी। तो मैंने कहा भाई 10 तक की रेंज चाहिए, और क्या करो जी प्रिंट करा दो मेरी अरे को, तो मैंने अरे प्रिंट करा ली। तो यहाँ पर मेरे पास 0 to 9 10 जो है डिजिट्स क्या हो गए, प्रिंट हो गए। अब बेसिकली काम ये नहीं था, बेसिक काम ये है कि मैं अब इस अरे के अंदर से मुझे क्या करनी है, स्लाइसिंग करनी है, और वो स्लाइसिंग किस तरीके से करनी है। मैंने यहाँ पर अपने पास एक सेकंड अरे इनिशियलाइज करा ली अरे टू के नाम से। किस नाम से? अरे टू के नाम से। मैंने उससे ये कहा कि भाई आप क्या करो कि जो आपके पास अरे के अंदर एलिमेंट है उसको स्लाइस करो, स्लाइस करना स्टार्ट करो 5 से और 8 तक उसको स्लाइस कर दो। वो क्या करेगा, उन तमाम चीज़ों को स्लाइस कर देगा और मेरे पास एक जो मेरी न्यू अरे है अरे टू उसके अंदर ला कर उसको स्टोर कर देगा। इसको प्रिंट करवा लेते हैं अरे टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने 5 से लेकर 7 तक मेरे पास मेरी अरे में से स्लाइसिंग करी जो मैंने नंपाई के अरेंज मेथड के जरिए बनाई थी, और उसमें से उसने मुझे स्लाइसिंग करके चीज़ें लाकर दे दी। अब एक और जो अब जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है नंपाई की अरे की। वो फंक्शनलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे स्लाइस कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई आप स्टार्टिंग से स्लाइस करो क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना, तो दिया नहीं है इसका मतलब वो स्टार्टिंग से स्लाइस करेगा। स्टार्टिंग से स्लाइस करो 3 तक, ठीक है जी, और उसकी जगह आप रख दो 0, उसी जगह आप क्या रख दो 0 रख दो। तो अब ये क्या करेगा कि ये स्टार्टिंग टू 2 यानी वो आपको पता है ना कि स्लाइसिंग के अंदर वो कम लेता है, वो तमाम आपके एलिमेंट्स को जो 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 आप स्लाइस करो फॉर एग्जांपल 0 till 3 वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को किससे बदल देगा, 0 से बदल देगा। आइए इस चीज़ को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट और मैं आप लिखता हूँ अरे। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया कि उन जितने भी एलिमेंट को मैंने स्लाइस करा था वो तमाम एलिमेंट को उसने जो मैंने एलिमेंट बोले थे उसने तमाम एलिमेंट को स्लाइस करा, और उसकी जगह जो मैंने वैल्यू दी थी वो तमाम की वो वैल्यू 0 उसने उन तमाम इंडेक्सेस पे जिनको मैंने स्लाइस करा था मीन 0 till 3 हमारे केस में 2 क्योंकि वो एक कम लेगा, तो वहाँ पर उसने ला कर उसको जो है क्या कर दिया, रख दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल थी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रही है ये आपके पास प्रोबेबली लास्ट एग्जाम्पल है, बल्कि नहीं इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, 2 छोटी सी एग्जाम्पल है और फिर हम जो है क्लास जो है फिर आपके सवाल के बाद एंड करेंगे। अब हम नंपाई की जिस फंक्शनलिटी की तो ऊपर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप जो है बूलियन चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि बूलियन ऑपरेशन नंपाई के अंदर और किस तरीके से यूटिलाइज हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बना रहा हूँ नेम्स की एरे ना, एक यहाँ पर मैं नेम्स की एरे बना रहा हूँ। आपको पहले बता चुका हूँ कि नंपाई के अंदर जब भी कोई अरे बनानी होगी तो आप क्या लिखते हो, numpy.array, ताकि वो नंपाई की फंक्शनलिटी को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। अब इस दफ़ा मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स ले रहा हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ तमाम ट्रेनर्स के नाम और तमाम ट्रेनर्स से मैंने यहाँ पे जो है नाम लिख दिए हैं। तो मेरे पास इस अरे के अंदर कितने टोटल एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए, सही जी। तो ये तो मेरे पास नीम की अरे हो गई। अब मुझे एक और नंबर की अरे बनानी है, तो उस नंबर की अरे को नाम दे देता हूँ नम अरे, सही है जी, नम अरे नाम दे दिया। आप जैसे आपको बताया है कि अगर आपको रैंडम नंबर वाली जनरेट करनी है तो आप क्या करते हो, np.random.randn लिख लिया जी, और randn के बाद फिर मैंने कहा कि भाई क्या चाहिए, 5 अरे चाहिए और हर अरे के अंदर एलिमेंट कितने हो, 3 एलिमेंट हो। अच्छा, ये तो आपको पता है कि 5 अरे होंगी और हर अरे के अंदर क्या होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों अरे को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट करवा लेते हैं नेम्स एक नम अरे प्रिंट करा लेते हैं, और नम अरे के बाद जो है मैं क्या करवा लेता हूँ, नम अरे के बाद एक नम अरे हो गई, इस वाली एग्जाम्पल के अंदर भी बार बार मैं स्लैशन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे नम अरे हो गई, देन नम अरे के बाद नेम्स अरे आ जाएगी, नेम्स अरे आ गए। तो इन दोनों चीज़ों को प्रिंट करा के पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 आपके पास अरे, हर अरे के अंदर 3 आपके पास एलिमेंट और आपके पास लास्ट में नेम्स अरे। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ फंक्शनलिटी परफॉर्म करा के दिखाता हूँ जो मे बी पॉसिबल आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट कर दो क्योंकि हर चीज़ को प्रिंट करा के चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई नेम्स जो आपके पास अरे है उसके अंदर ये चीज़ चेक करो
कि मेरे पास पूरी मेरी नेम्स की अरे क्या उम्र के बराबर है, तो हमारे केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो नेम्स की अरे है उसके अंदर उम्र तो मौजूद है लेकिन दो दफ़ा मौजूद है, बाकी जो आपके पास इंडेक्सेस हैं उस पर एक पे नौरोज, एक पे अली और एक पे उमर मौजूद है। तो इसका ज़रा रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे उसने जो आपको रिजल्ट दिया है वहाँ पर उसने आपको बताया ट्रू फॉल्स, फॉल्स जिस इंडेक्स पे उमर मौजूद नहीं था वहाँ पर उसने उसको फॉल्स आपको फॉल्स दिया, और जिस पे मौजूद था वहाँ पर उसने आपको क्या दे दिया ट्रू दे दिया। तो ये आपको उसने बूलियनली बता दिया कि भाई आपके पास उस अरे के अंदर किन जगहों पे आपको ट्रू मिल रहा है आपकी कंडीशन के हिसाब से और किन जगहों पे आपको क्या मिल रहा है फॉल्स मिल रहा है। अच्छा, बिल्कुल सेम फंक्शनलिटी इसी तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ इसी एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ, आता हूँ नीचे। ये काफ़ी सरप्राइजिंग आपके लिए एग्जाम्पल हो सकती है। क्यों सरप्राइजिंग हो सकती है, इसकी वजह आपको बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स देखिएगा कि मैं सिंटेक्स इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स कुछ चेंज करा, मैं आया मैंने कहा जी नम अरे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सिंटेक्स की, मैंने कहा जी नम अरे, और नम अरे के अंदर अब मैं जो है ये चीज़ चेक कर रहा हूँ अगेन थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक इंडेंटेशन की, और इसको अब चेक करते हैं। अच्छा जी, स्लैश एन यहाँ पे देना भूल गया था जिसकी वजह से इंडेंटेशन नहीं हो पाई सही, अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से स्लैश एन दे देते हैं, तो यहाँ पे स्लैश एन आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास पहले कितने अरे थी, 1 2 3 4 5 सही है जी। अब मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा सबसे पहले तो नेम्स अरे के अंदर चेक कर लो कि आपका उम्र किस किस एलिमेंट पर मौजूद है। तो वो आपको पता है कि आपके पास एक फर्स्ट एलिमेंट पे और एक लास्ट एलिमेंट पे आपके पास क्या मौजूद है, उम्र मौजूद है। अब उसने क्या करा कि आपके पास ये जो पांच अरे थी उस पांच अरे में से जिन नंबर्स पे आपको ट्रू मिल रहा था, एक आपको फर्स्ट पे मिल रहा था ट्रू और एक लास्ट पे मिल रहा था ट्रू, वही एलिमेंट्स वाली अरे उसने आपको प्रिंट कर दी। यानी उसने क्या देगा कि नम अरे के अंदर चेक करो, क्या चीज चेक करो कि उम्र आपको कहां कहां मिल रहा है। जहां जहां आपको उम्र मिल रहा है वो आप उस अरे में से वो वाली पूरी अरे उठाओ, एलिमेंट वाली अरे, और उसको प्रिंट कर दो। तो हमारे केस में आप अगर यहाँ से चेक करना चाहे तो आपको फर्स्ट पे और लास्ट पे मिल रहा था, तो उसने अरे पे वही फंक्शनलिटी परफॉर्म करी कि आपको फर्स्ट वाली अरे और लास्ट वाली अरे लाके जो है प्रिंट करवा दी आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, अब इसका बिल्कुल अपोजिट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिडल साइन। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये टिडल का साइन होता है जो आपकी टैब के बार के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिकली परफॉर्म कर रहा होता है नॉट का ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कुछ एरर आया है, एरर इस वजह से आया क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर इंडेंट नहीं करा। मैं यहाँ पर इसको इंडेंट कर देता हूँ, इट विल गोस फाइन दिस टाइम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले उसने 1 और 3 दिया था ट्रू के हिसाब से, अब उसने जब नॉट वाली कंडीशन देखी तो नॉट वाली में वो तीनों फॉल्स वाली कंडीशन देखेगा, तो फॉल्स वाली कंडीशन के अंदर उसने मुझे कौन सी दे दी, 2nd, 3rd और 4th जिसके अंदर उम्र मौजूद नहीं है। अच्छा जी, ये तो तमाम ऑपरेशन होगा कि जिसके अंदर हमने कि आपने क्या देख लिया कि आपने दो अरेज को किस तरीके से मैनिपुलेट करा है, किस तरीके से आपने ऑपरेशन परफॉर्म करा है कि एक आपके पास स्ट्रिंग थी, दूसरी आपने रेंडम जनरेट करा, फिर आपने उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा है और किस तरीके से आपने प्रिंट करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डूइंग दिस ऑपरेशन कि आपके पास जितने एलिमेंट इस अरे के अंदर मौजूद हैं आपके पास अरे भी उतनी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 अरे नहीं बनाऊंगा तो मेरे पास ये ऑपरेशन कभी भी परफॉर्म नहीं होगा, ये वहीं पर आपको एरर दे देगा। तो ये बात मेक श्योर करनी है कि जब भी यूज करें तो जितने एलिमेंट आपने फर्स्ट अरे में दिए हैं यानी जो भी चीज क्रिएट करते हुए उतने ही कि आप जो है सेकेंड अरे बनाएंगे, जब तो आप मैनिपुलेट और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लास्ट थिंग एक चीज करके दिखा देते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। मैंने कहा प्रिंट एनपी डॉट यूनिक, ये भी एक और मेथड होता है नम पाई का। मैंने कहा भाई क्या करो, नम पाई के मेथड के अंदर जाओ और एक नेम्स जो अरे है उसको यूटिलाइज करो। अब यूनिक क्यों लिखा, यूनिक इस वजह से लिखा क्योंकि मेरे पास उम्र दो दफा यूज हो रहा है। यूनिक बेसिकली आपके पास दो काम करता है, चलिए पहले देख लेते हैं कि यूनिक ने करा क्या। तो यूनिक ने आपके पास एक उम्र को गायब कर दिया, पहली बात तो एक उम्र को गायब कर दिया यानी एक तरीके से उसने यूनिक यानी हर एलिमेंट को एक दफा लेकर आएगा, इसके अलावा नहीं लेकर आएगा।
दूसरी बात उसने सॉर्ट भी कर दिया कि पहले यानी स्पेलिंग में सॉर्ट कर दिया, पहले अली देन नौरोज देन उमर और देन लास्ट में उमर। यानी यूनिक ने दो काम कर दिए कि जो मल्टीपल एलिमेंट रिपीट हो रहे थे उनको नेगलेक्ट कर दिया और लास्ट में जो आपके पास क्या कर दी, सॉर्टिंग कर दी। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गई। अब आज की क्लास की लास्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी अरे के अंदर अपने मिनिमम और मैक्सिमम चीज को फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम चीज को? random.rand n, ठीक है जी। दो अरे जनरेट कर लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ मैं अरे को। और प्रिंट करवाने के बाद एक अरे ये प्रिंट हो जाएगी, दूसरी अरे पे आ जाता हूँ, दूसरी अरे को प्रिंट करने के बाद random.rand n, सही है जी। और इसके अंदर भी चार एलिमेंट ही ले लेता हूँ, इसको भी प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट ARR2, सही है जी। अच्छा यहाँ पे कुछ एरर आया, अच्छा यहाँ पे रैंडम की वजह से एरर आया है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने नॉर्मली दो रैंडम नंबर के अरे जनरेट करिए नंपाई के जरिए और उसको क्या करा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब जब मैंने प्रिंट करवा दिया तो अब मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ वो बेसिकली नंपाई की फंक्शनलिटी है। क्या है नंपाई की फंक्शनलिटी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, numpy.maximum, ठीक है जी। अभी जो मैक्सिमम है ये आपके पास दो आर्ग्यूमेंट लेता है, कौन से दो आर्ग्यूमेंट, जिन दो अरेज को आपको आपस में चेक कराने, अरे वन कॉमा अरे टू, ठीक है जी। प्रिंट करवा लेते हैं, अच्छा कुछ मसला आया है, क्या मसला आया है, प्रिंट एंड, अच्छा मैक्सिमम की स्पेलिंग गलत है, मैक्सिमम की स्पेलिंग सही कर दी, ठीक है जी। अब हुआ क्या यहाँ, यहाँ पे हुआ बेसिकली ये कि उसने आपकी दोनों अरे को, यानी अरे को और अरे टू को चेक करा, उन दोनों के हर इंडेक्स पे जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसकी उसने एक अरे बना दी। जैसे इसमें और इसमें मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली, इसमें और इसमें मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली, इसमें और इसमें मैक्सिमम कौन सी है, डेफिनेटली ये वाली, इसमें और इसमें कौन सी मैक्सिमम है, बेसिकली फर्स्ट वाली, तो उसने एक अरे बना दी। इसी तरीके से मिनिमम के लिए भी हमारे पास ऑपरेशन नंपाई आपको देता है, तो उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो मैक्सिमम के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम, और अब हमारे पास जाहिर सी बात अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो अपोजिट ऑपरेशन स्लैश एन कर देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियरली सब चीज़ें समझ में आ जाए। अब आप देख सकते हो अब उसने क्या करा होगा कि अब उसने दो रैंडम नंबर जनरेट करे, मिनिमम वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म करिए, तो इसमें और इसमें मिनिमम कौन सा था, ये वाला, तो ये वाली अरे में आ गया। इसमें और इसमें मिनिमम, जाहिर सी बात है माइनस वाला होगा तो माइनस वाला आ चुका है। इसमें और इसमें मिनिमम ये वाला था तो मिनिमम वाला आ गया आपकी लास्ट अरे के अंदर, और इसमें लास्ट आपके पास ये मिनिमम था तो आपके पास ये चीज आ चुकी है। तो बेसिकली अब हमारे पास numpy के अंदर जितनी numpy आपको बेसिक जो फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है मैनिपुलेशन के लिए, स्टोरेशन के लिए, आपके डेटा को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, आपकी अरे के ऊपर जितने डेटा परफॉर्म हो सकते हैं वो तमाम के तमाम हम अब जो है कवर कर चुके हैं। एक दफा देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें कवर कर ली हैं आज अपनी numpy के अंदर। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि आप किस तरीके से रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, एक ही अरे को प्लस कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन, देन शेप मालूम करना है, डेटा टाइप मालूम करनी है, डायमेंशन कैसे देख सकते हैं, देन फिर अगर आपको जीरो की अरे जनरेट करनी हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल, देन डायमेंशनल विद इन डायमेंशनल किस तरीके से हो सकता है काम, एम्प्टी और जीरो के अंदर क्या फर्क है, गार्बेज वैल्यू वाली एग्जांपल, देन अगर किसी चीज की टाइप चेंज करनी हो, जैसे इंटीजर थी आपने फ्लोट में चेंज करनी थी तो एस टाइप के जरिए होगी, देन एक अरे पे कितने ऑपरेशन numpy परफॉर्म कर सकता है वो इस तमाम एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर नॉर्मल मेथड मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है और कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऑपरेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन का है और देन डिवीजन का है, पावर का है, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट, मीन सम, कम सम, सॉर्टिंग, तमाम ऑपरेशन मौजूद हैं। देन अरे को दूसरे अरे से चेक करना ग्रेटर देन और लेस देन, तो वो आपको बुलियन के अंदर जो है आंसर देगा। तमाम एग्जाम्पल आपके पास मौजूद होंगी, क्लास के बाद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ये जो है ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाए। देन आपके पास अरेंज, जो रेंज का जो नॉर्मल पाइथन में होता है, रिपीट भी करता है, रिपीट ही हो रहा है, तो रेंज जो है वो आपके पास अरेंज numpy के अंदर आप उसको अरेंज यूज करते हो।
रेंज का जो नॉर्मल पाइथन के अंदर होता है आप उसको जब नंपाई के अंदर यूज करते हो तो एज अ रेंज यूज करते हो आप उसको, स्लाइसिंग आप कर लेते हो ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट उस एरे के बदलने प्रॉपरली तो आप क्या करते हो, आप स्लाइसिंग करते हो और उसकी जगह जो एलिमेंट रखना है वो रख देते हो, तो वो परमानेंट तौर पे उस एरे का पार्ट बन जाता है, सही है जी। देन यहाँ पर आपने एक, हमने स्ट्रिंग बनाया, दो अलग अलग चीजें, मतलब एक स्ट्रिंग की एरे बनाई, एक रैंडम नंबर की एरे बनाई। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बताया है कि इस चीज को मेक श्योर करना है कि जितनी एलिमेंट फर्स्ट अरे के अंदर हो उतनी ही डायमेंशन सेकेंड अरे की होनी चाहिए, उतनी ही डायमेंशन सेकेंड अरे की होनी चाहिए, वरना ये जितनी भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करें इस एग्जाम्पल वाला कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि अरे के अंदर किस किस एलिमेंट पे उम्र मौजूद है, तो उसने वहाँ आपको ट्रू फॉल्स की सूरत में ला के दे दिया। फिर उसने आपकी इस वाली अरे को कंपेयर करा आपके बुलियन ऑपरेशन से, जब बुलियन ऑपरेशन से परफॉर्म करा तो जिस एलिमेंट पे जैसे फर्स्ट पे और लास्ट पे उम्र मिल रहा था, तो उस मेन अरे में से उसने आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सिर्फ ला के यहाँ पर दे दिया। फिर आपने इसका अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करा कि कहाँ पर आपको उम्र नहीं मिल रहा, तो वहाँ आपके तीन एलिमेंट है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो वह आपके पास एग्जैक्टली आ चुके हैं। देन आपने आखिर में देखा कि यूनिक का एलिमेंट क्या करता है कि अगर कोई मल्टीपल रिपीट हो रहा है तो उसको एक दफा लाएगा और आपके पास सॉर्ट भी कर देगा, तो उसने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अली, नौरोज, उमैर और उमर, और उमर को वो एक ही दफा लेकर आया जबकि हमारे पास दो दफा मौजूद था। देन लास्ट में हमने देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम का ऑपरेशन आपने दो अरेज के बीच में कैसे परफॉर्म कराया, कि एक दफा आपके पास एक अरे आ गई जिसके अंदर दो अरेज में से हर एलिमेंट पे जो मैक्सिमम ऑपरेशन था वो जो मैक्सिमम नंबर था वो आ गया, और सेकंड दफा में हर अरे में जो मिनिमम नंबर था वो आपके पास यूटिलाइज हो गया। तो सर से मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब हमने जो है आज जो है तमाम चीजें कवर कर ली हैं आज की क्लास की, ऑल्दो आज की क्लास बहुत लेंदी थी क्योंकि अब हमारी जो चीजें वो एंडिंग की तरफ जा रही है, तो हमें चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली कवर करना जरूरी थी। अच्छा जी, तो हमारे आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें कवर करवाई है। मैं कमेंट्स आपका, कुछ चीज़ें अर्जेंट पे मेरे काम में चीज़ें ऐड हो गई थी तो मैं उनको लुक आफ्टर कर रहा था। उमर बहुत बेहतरीन क्लास लेके चल रहा था, थोड़ी सी फास्ट थी वो ज़रूरत थी क्योंकि हमने एक टारगेट जो आपके सामने भी रखा था उसको अचीव करना था, जिसमें हमें फाइल मैनिपुलेशन और जितने भी इम्पोर्ट के मॉड्यूल्स और जो भी चीज़ें हमने इस क्लास में डिस्कस की, उसके बाद फिर आपका नंपाय जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है आपकी पाइथन की, तो वो चीज़ें कवर करनी थी। तो अभी ये वीडियो, क्योंकि पहले दिन हमने आपसे कहा था कि हम वीडियोस डिलीट कर देंगे, बट आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक पहले दिन से हम नहीं कर रहे, यही वजह है कि जिसकी वजह से लाइव क्लास में बहुत से बच्चे कट ऑफ हुए हैं और असाइनमेंट देने पर थाउजेंड से ज्यादा जमा होते हैं। खैर, नेवर द लेस ओनली टू और थ्री मोर क्लासेस आर लेफ्ट, कोई बात नहीं, आज तक नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे, अब करने का कोई फायदा भी नहीं बनता। तो आई वुड लाइक टू रिपीट द थिंग विच वी डिस्कस इन द इनिशियल टाइम, तो आई वुड लाइक टू डिस्कस नंपाय इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, few other things which you want to explore more, so you are having the Google and internet with you. I request you to go further with the stuff over the internet. Aur abhi jo cheeze basics cover karwai is the mentality and the mindset, aur jo cheeze cover honi chahiye inside the class usse bhar ke hi humne cover karwai hai. To aap log iske ilawa bhi dekhe, har library technology ek bahut badi duniya hoti hai, तो जाहिर बात है एक दो घंटे की तीन घंटे की क्लास लाइन के बीच में इंसर्ट कैसे करेंगे, वो बहुत लोग पूछ रहे हैं, ये मतलब ही नहीं है। चल गया चल गया, ओके सो चल गया, आई होप के चल गया, आई होप के चल गया, उसी वक्त चल गया, ओके। सो एक चीज जो कि शुरू में हमने बताई थी उसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, वो दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 12th
ऑफ जनवरी, क्योंकि मैंने और हमारी टीम में जिसमें उमर है, नुरोज है, उमेर है, हमने ये डिसाइड किया कि आप लोगों को क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कौम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चीज़ों को लाइटली मोड में ले लेते हैं, नंपाय पांडास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आपके एग्जाम में नंपाय और पांडास भी आएगा, वो चीज़ें जो कि लेक्चर में कवर हुई हुई है सिर्फ वो चीज़ों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर में अच्छा हो जाएगा। सो 12 जनवरी इज द डेट विच इज वेयर द पेपर इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम कोर पाइथन प्रोग्रामिंग नंपाय एंड पांडास। सो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर नाउ, शब्बा खैर, अपना अपने रिश्तेदारों अपने गिर्दो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।